चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पे। देखो ये चैप्टर कंपलसरी क्वेश्चन बन के आता है पेपर के अंदर। अभी तक इसकी वेटेज रही है 14 मार्क्स की वेटेज। अभी तक क्यों बोल रहा हूं, अभी तक इनकम टैक्स 60 मार्क्स का था, जीएसटी 40 मार्क्स का था, पर इस बार मई 24 से दोनों हो गए 50-50 मार्क्स के। तो हो सकता है ये 12 पे ले आए, पर फिर भी 12 भी कम नहीं है एंड कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। और इस क्वेश्चन से लगता है बच्चों को डर कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा, ट्रिकी होगा। बड़ा भी होगा, ट्रिकी भी होगा। और पहली बात तो मुझे बताओ, आपको पूरे 12 स्कोर क्यों करने हैं इसमें? आप ये सोच के चलो ना, माइंड को सिग्नल भेजो, हमें लाने 6-7 नंबर बस। माइंड को सिग्नल दोगे ना 6-7 लाने हैं, तो माइंड आपको रिलैक्स वे में करने देगा और 6-7 क्या 10 ले आओगे। बिल्कुल भी क्वेश्चन में स्ट्रेस नहीं लेना आपको कि मुझे पूरे 12 लेके आने, नहीं लाने वाले क्वेश्चन में हमको, क्योंकि 12 के चक्कर में ट्रिकी छोड़ो, इजी पॉइंट को ट्रिकी बना के आ जाओगे फालतू में। आता वो गलत कर दोगे कि ये तो इतना इजी कैसे हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको आपको बताऊंगा, एक दूंगा रामबाण, वही फॉलो करना है बस। उसके अलावा इस क्वेश्चन ने बिल्कुल यहां वहां नहीं जाना आपने। यहां वहां गए खो जाओगे, मार्क्स हंसे जाएंगे। जितना बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे करना। इससे क्या होगा, 12 में से 6 तो फ्री के नंबर उठा लोगे। यहां पे कुछ नहीं आता होगा ना क्वेश्चन में, तो भी 6 निकाल लोगे यहां पे, बाकी जितना आता होगा आपका कॉल है। ठीक है, तो बेटर है ना कुछ ना आता तो 6 पकड़ लो यार, बाकी यहां क्यों स्कोर कर लेना, जरूरी इसमें स्कोर करना आपको यहां पे, जब पता है ट्रिकी होगा ये। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक से ज्यादा हेड्स की इनकम दे रखी होगी। 5 हेड्स होते हैं हमारे, 2 या 3 हेड्स की इनकम दी होगी, डिडक्शंस दिए होंगे, टोटल इनकम निकालनी होगी, हो सकता है टैक्स भी निकालना पड़ जाए। देखो तो अगर आपने कभी इसको सॉल्व किया हो, आपने स्टार्टिंग कैसे करी होगी, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, उसमें ऐड वैड करे होंगे आप लोगों ने, ऐसे किया होगा स्टार्टिंग। ऐसे करना ही नहीं है चैप्टर। इस चैप्टर में हम पीजीबीपी इनकम निकालेंगे एंड में जाके एकदम। मैं बताता हूं क्या बोलना चाहता हूं, देखो मैं आपको ले जा रहा हूं सीधा हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन की साइड। पहले आपको ले जाता हूं जरा मैं मे वाले पे, एक बार आ जाओ मिस्टर प्रमोद पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आया है मे नवंबर है ना, इसे रोकते हैं रुको एक बार, हम एक बार चलते हैं मे वाले पे आ जाओ। हाँ यहाँ आ जाओ, मई 23 मिस्टर बसीम क्वेश्चन पे आ जाओ। सारे आ जाओ, मई 23 मिस्टर भसीन आ गए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बता रखी हैं। भसीन है, रेजिडेंट है, एज 52 है, मतलब कि स्लैब लगेगा 2.5 लाख वाला, हिंट दे दी उसने हमको। प्रोवाइड करता है सर्विस वगैरह, इसका दे रखा है हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। फिर एडजस्टमेंट दे रखी है, और देखो अगर ये स्कैनर में क्वेश्चन जा रहा है 2.5 पेज का, पेपर में तो आपका 3 से 4 पेज क्वेश्चन जाएगा आराम से। ये देख के बच्चे डरते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है छूट जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं 12 नंबर लाने ही नहीं ना, पहले ढूंढो फ्री के नंबर कितने 6, उसके बाद जाएंगे आगे। और इसमें से अगर आपके 12 में से 8 भी आ गया ना, बहुत है बेटा, आगे स्कोर कर लेना, बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे एग्जाम में करने के लिए आपके पास, जरूरी नहीं है फुल मार्क्स लाने आपको। देखो इसमें क्या करना है, देखो आप बिना क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले आपको एक बनाना है आंसर। देखो मैं आपको दिखाता हूं, यही फॉर्मेट यूज करना एग्जाम में। ये क्वेश्चन है वसीन वाला, क्वेश्चन ने मांगा क्या है बस देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन ने क्या मांगा है हमसे, टोटल मांगिए। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम हम लोग क्या करते हैं, टोटल इनकम के लिए 5 हजार का टोटल, जीटीआई डिडक्शन माइनस पक्का। देखो सबसे पहले काम बना दो क्वेश्चन, सबसे पहले सारे हेड्स डाल दो। ये तो ऑफकोर्स अभी नहीं डाल सकते, निकालना पड़ेगा, पर सारे हेड्स डाल दो ताकि जो जो सॉल्व करते जाएंगे यहां अमाउंट डालते रहेंगे उसका। सबसे पहले इसका फायदा पता क्या होगा, कोई अगर इनकम एक ही है, मान लो अदर सोर्स में खाली इंटरेस्ट है और कोई इनकम ही नहीं है, मान लो सीधा अदर सोर्स की इनकम डाली, यहां अमाउंट लिख दिया उसका, एक नंबर मिल गया। मैं बताने की ट्राई कर रहा हूं आपको, पीजी पे जाना भी नहीं है, पहले बाकी छोटे छोटे हेड्स निकाल लो जो क्वेश्चन में हो सकते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या करा मैंने, सारे हेड्स नोट कर दिए यहाँ पे, और उसके आगे कॉलम बना दिया नोट नंबर का, और आगे बना दिया कॉलम अमाउंट्स का। अब ना सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे, मुझे बताओ अदर सोर्स की इनकम ढूंढनी है, ठीक है, और ढूंढते हैं
रिसीव कौन सी हेड की इनकम है? पीजीबीपी काम की नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स कौन सी हेड की इनकम है? अदर सोर्सेज। वेरी गुड, हम आ चुके हैं अदर सोर्सेज में। देखो अदर सोर्सेज का नोट क्या बना दिया, नोट नंबर मैंने 1 आ जाओ, दो तीन पेज के जगह छोड़ के नोट नंबर 1 कॉम्पिटिशन ऑफ आईएफओएस, जितना इंटरेस्ट मिला लिख दिया। ठीक है, मुझे एक सेकंड देना बस ना, मैं फाइल कहीं और खोल लेता हूँ यार वाली। ठीक, आप देखो मुझे पता है आप क्वेश्चन पेपर लिख नहीं सकते पर पेंसिल से मार्क कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलता टीचर आपको। देखो ये इनकम डाल रखी है उन्होंने पीएनएल अकाउंट के अंदर, किस हेड की इनकम है ये? यानी पीएनएल से क्या करनी पड़ेगी? माइनस, वही मार्क कर लेना कि जब निकालूंगा बीजेपी तो माइनस करूंगा, माइनस करेंगे ना। हेडिंग याद है, इनकम टैक्सेबल बट अंडर अदर हेड्स, माइनस कर देंगे। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्सेस। एक मिनट, पीएनएल हुआ है क्रेडिट 99,500 से, माइनस करना पड़ेगा यहां से, माइनस कर देंगे जी। पर अदर सोर्सेज में हम 99,500 के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लॉटरी भी जोड़ेंगे, क्योंकि याद है एंटायर विनिंग्स आर टैक्सेबल, खर्चे माइनस नहीं होते हैं, तो अदर सोर्स की कितनी इनकम बनेगी यहां पे? 1,00,000। ठीक है जी, लिख दिया, आ गई इनकम 1,00,000। आगे ढूंढते हैं, तो और मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, रेंट पता कहां ले जा रहा है आपको? ये हाउस प्रॉपर्टी पे। ठीक है जी, अगला नोट पे चलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बना के छोड़ देना, क्या पता आपको इनकम दे रखी हो। पहले हम ढूंढते हैं अदर सोर्सेस को, खर्चे अदर सोर्स के पॉसिबल है नहीं। आ जाओ नीचे, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन सैलरी पे ले जाएगा आपको, दो घर है इसके पास, ये आपको एचपी पे ले जा रहा है, रेट टैक्सेस पे कर रहे हैं, खर्चा इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा, एक्सपेंसेस फिर से आ गए, एक ये डेप का ब्लॉक हो गया और इसने लोन ले रखा है, खत्म। अदर सोर्स की और कोई इनकम दिख रही है आपको? नहीं। ठीक है जी, हो गया, कितने निकल की इनकम अदर सोर्स की आ गई? 1,25,000। ऊपर गया, नोट नंबर डाला, इनकम, क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ था, एक नंबर स्कोर कर लिया आपने बेटा, यहां तो कोई ट्रिकी पॉइंट ही नहीं था एक नंबर स्कोर करने में, समझ आया। अब ढूंढते हैं अगली छोटी इनकम कौन सी पॉसिबल है। देखो सबसे इजी हेड्स कौन से हैं आपके, अगला इजी हेड कौन सा है आपका? एचपी पे तो वैसे इजी था, एचपी यहां डिफिकल्ट है, पर कहते हैं आओ एचपी पढ़ते हैं, एचपी आ जाओ। एचपी के रिगार्डिंग पहले मुझे बताओ, पीएनएल में कोई इनकम दिख रही है आपको? रेंट दिख रहा है, ये समझ आ गया, रेंट यहां से क्या करना है मुझे? माइनस। आओ अब देखते हैं एचपी का कोई खर्चा दिख रहा है आपको यहीं पे? आपको रेम्यूनरेशन नहीं आ सकता, ऑफिस नहीं आ सकता, टैक्सेस नहीं, कोई खर्चा नहीं दिख रहा आपको एचपी का यहाँ पे। चलते हैं नोट्स के ऊपर, पहला नोट है रेम्यूनरेशन का, छोड़ दो, अगले पे आ जाओ। मिस्टर भसीन के पास एक बड़ा हाउस है, कितने यूनिट हैं? 2। याद करो जब 2 यूनिट होते हैं हम रेशियो में बांटते हैं चीजों को, एमवी को, एफआर को, एसआर को बांटते हैं। यूनिट 1 जो कितना परसेंट एरिया अक्वायर कर रहा है? आधा। लेट आउट है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, किराए पे चढ़ा रखा है, मंथली रेंट ऑफ 20,000 पर ईयर, कितना हो गया साल का? 240। क्या वही था यहाँ पे? हाँ, यानी ये क्या बन गया एचपी के लिए आपका? एक्चुअल रेंट। पर मुझे इतना समझ आ गया, जब मैं निकालूंगा ना पीजीपी इनकम, ये तीनों माइनस होंगे यहां से, पॉइंट समझ आ रहा है? माइनस क्यों होंगे? बाकी एचपी इनकम है। चलो अब माइंड में रखो एचपी, एचपी में कितना एआर है आपका? पूरे घर का 50% एरिया का है, 50% एरिया का। अच्छा, यूनिट 2 विद द बैलेंस 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय मिस्टर भसीन एज हिज रेजिडेंस कम ऑफिस। याद करो एचपी, मैंने बताया था अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी करो बिजनेस मत करना, बिजनेस किया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते उसको, है ना। पर यहां इस क्वेश्चन में ना ICAI ने अजम्पशन लिया, उन्होंने बोला हमने जो 50-50% का आपको क्राइटेरिया दे रखा है ना, हम ये शो करना चाहते हैं घर के 2 फ्लोर हैं, 1 फ्लोर तो किराए पे चढ़ा दिया, जो अगला फ्लोर है उसके भी 2 पार्टीशन है,
25% में घर ऑफिस से ला रहे हो और 25% में रह रहे हो। यानी इस क्वेश्चन में आईसीआई ने बोला 25% कहां लेके जाओ, एसओपी के अंदर, बाकी लेके जाओ बिजनेस के अंदर। पॉइंट समझ आया? वैसे गलत अजम्पशन है, इनको यहां बाइफरकेशन देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब नहीं मान रहा आईसीआई तो क्या करे, हमें तो आईसीआई को फॉलो करना है। और वैसे देखो मानने की बात नहीं है, सही भी है, 50% फ्लोर एरिया इंडिकेट कर रहा है कि भाई दोनों में यूज करो, पर हाँ अगर बता देता ना यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाती। तो खैर हमें क्या करना है, हमें पूरे घर के हिस्से कितने करने हैं, पहले तो दो हिस्से, 50% लेट आउट, फिर 25% एसओपी, 25% कहाँ जाएगा पीजीबी। पॉइंट समझ आया पक्का? चलो एमवी एफआर एसआर पूरे घर के होंगे, फ्लोर वाइज होंगे पूरे घर के। अच्छा एमवी एफआर एसआर का रोल कहां पे आता है, पीजीपी के अंदर या एचपी के अंदर? एचपी के अंदर। एचपी का हमारा कितना एरिया जा रहा है, 50%, इन सबका आधा कर दो, एमवी कितना हो जाएगा 180, एफआर 210, एसआर 200,000, कितना आएगा एक्सपेक्टेड? कितना आएगा एक्सपेक्टेड, 200,000 आ गया पक्का। एआर कितना था, जीएबी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आज अब आगे रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड कितना पेड एज म्यूनिसिपल टैक्स, एक सेकेंड आ जाओ यहां पे, इस 15 में से दिक्कत कितने की हमको, 10,000 की, पूरा 10 एड बैक मत कर देना, क्योंकि सिर्फ आधा घर किराए वाला है, उसका 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पर 25% बिजनेस का भी तो है। यानी 10,000 का 25% कितना हो गया, 2500 रुपए, ये खर्चा बिजनेस का ही है, यानी कितना ऐड बैक करना है आपको, 7500। ये पन समझ आया, 10,000 पूरे घर का, पहले 5,000 भेज दिया किराए वाले का, वो तो ऐड बैक होगा, फिर जो बाकी 5 बचा उसका जो 2500 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है वो ऐड बैक कर दिया, जो 2500 ऑफिस चल रहा है उसे क्यों ऐड बैक करना है भाई, यानी कितना ऐड बैक होगा, 7500 कर दिया ऐड बैक जी, 10 छोड़ दो। लेट आउट वाले में कितना भेजा हमने, 5,000, तो जब मैं इनकम निकाल रहा हूं कितना माइनस कर दिया मैंने यहां से, दिखा भी दिया, 10,000 डिवाइड बाय 2। ये पॉइंट समझ आया, किसको समझ नहीं आया पॉइंट वाला, सबको आया पक्का? तो ना तो पूछ लेना मुझसे, क्लियर है? ठीक है, एनएवी आ जाएगा माइनस करके, 24 ही निकाल सकते हो एनएवी का, 30% 24 बी पे चलते हैं आओ। अच्छा देखते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम अ बैंक फॉर, क्योंकि याद रखो 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, वहां देखना पड़ेगा, घर बन के तैयार हो गया 11-12 में, ना लोन पे किया ना इंटरेस्ट पे किया, कोई बात नहीं, ड्यूबेस पे लॉ कर सकते हैं। खैर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटा, 80,000। माइंड बोलता है सीधा सीधा 80,000 का 75% ऐड बैक कर ही दो, क्योंकि 50% लेट आउट वाला है, 25 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, बताने कितना आएगा, 60 करना ऐड, करना पड़ेगा ऐड बैक पक्का। पर पता है इसमें एक हिडन पॉइंट दिखाऊं, इसी के अंदर देखो हिडन पॉइंट क्या कह रहा है, नाइदर द लोन नॉर द इंटरेस्ट वॉज पेड कब तक, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। लोन कहां से लिया है, बैंक, याद करो 43B एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट बेसिस, बैंक का इंटरेस्ट आईटीआर से पहले पे करना है वरना डिसअलाउ हो जाएगा, याद करो, याद आ रहा है पॉइंट, यानी कि जो बैलेंस 20,000 का इंटरेस्ट था ना वो भी ऐड बैक होगा, पर पूरा 60 ऐड मत करना, 60 ऐड बैक क्यों हो रहा है, वो किसी और हेड का खर्चा है, 20 ऐड बैक क्यों हो रहा है, 43B का डिसअलाउंस है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, यहां पे 20 भी ऐड होगा पर किस वजह से, 43B की वजह से, समझ आया पॉइंट लोगों के पक्का, नहीं आया सत्र जी, सबको पॉइंट समझ आया वाला, श्योर? ठीक है, खैर तो अगर 80,000 पूरे घर का इंटरेस्ट था तो लेट आउट वाले पोर्शन कितना हो गया, 40,000, 40 माइनस कर दिया
कितना आ गया इनकम 124 पर मिनट। देखो मुझे घूरो मत, साथ साथ कैलसी पे करते रहो वरना तो खो जाओ क्वेश्चन क्या चल रहा है, या रफ में लिखते रहो, घूर कुछ तो करते रहो भाई, मुझे घूरो मत जैसे तुम लोग। तुम भी वीडियो वालो, तुम्हारा ही पेपर है। आ गया अपना पक्का। अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। सेल्फ ऑक्यूपाइड पूरे करके कितना परसेंट है? 25। खैर एनएवी हो जाएगी जीरो, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 एनएवी इन केस एसओपी इज जीरो। 24 ए मिलेगा नहीं, 24 बी। पूरे घर का अगर 80 है उसका 25% कितना हुआ? 20,000। आ गया 20 का लॉस, 124 की इनकम, 20 का लॉस। नेट एक्सपी इनकम कितनी हो गई? 104,500। सबको क्लियर? ले जाओ ऊपर नोट में डाल दो, एचपी निकल गया, नोट नंबर 3 डाल दिया, 104,500। समझ आ रहे हैं तक आपको? 2 हेड निकाल चुके हैं और एचपी बड़ा था, कम से कम 2-3 नंबर का एचपी रहा होगा इसमें, तो आप मोटा मोटा 4 नंबर ले चुके हो और हमने पीजीपी स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। एचपी यहां डिफिकल्ट आ गया, इतने पे डिफिकल्ट होता नहीं है वरना। क्या समझ आ रहे हैं तक? आगे चलते हैं, अब ढूंढते हैं क्या क्वेश्चन में सैलरी है या कैपिटल गेन्स है। अभी तो कहीं मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा ये है ना एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, या पे कर रहे हो, इनकम नहीं आपके, ध्यान रखना ये। खैर देखो आ जाओ कुछ तो है यहाँ पे। एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स अ सम ऑफ 3 लाख पेड टू वाइफ मिसेस बीना। पता है वाइफ को सैलरी देखते हमारा माइंड कहां जाता है? 40A सबसेक्शन 2। हम दो, हमारे दोनों रिलेटिव्स। पर उसमें याद करो रिलेटिव में डिसअलाउ कब होता है? अगर एक्सेस पे करेंगे तो, वैसे डिसअलाउ नहीं होता। देखते हैं, शी इज वर्किंग एज अ मैनेजर, शी डज नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। क्लबिंग पे ले गया आपको, सेक्शन 64 याद आ रहा है? यानी 64 कहता है जो सैलरी इसने वाइफ को पे करी है वाइफ की इनकम नहीं है, वो इसकी इनकम है। ओके ठीक है जी, आ जाओ बनाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड। वाइफ इनकम टू बी क्लब एफ सेक्शन नंबर 64 डाल दिया 3 लाख। कौन सा? देखो अगर क्वेश्चन सिर्फ क्लबिंग का होता ना, हम 64 एक्सप्लेन भी करके आते प्रॉपर कि क्यों क्यों हमने क्लब किया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है वगैरह। पर ये क्वेश्चन क्लबिंग का नहीं है, ये टोटल इनकम क्वेश्चन है। अगर यहां डिफाइन करने चले गए ना तो पेपर नहीं हो पाएगा हमारा, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया 64 हमने यहाँ पे। ठीक है अच्छा, स्टैंडर्ड तो मिलेगा 50,000 का सैलरी है तो इससे क्या वो क्लब हो रही है? मिलेगा तो कितनी रहेगी सैलरी? 2.5 लाख डाल दो ऊपर। देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, 5 नंबर आपके आ चुके हैं बेटा, 14 में 5 तो आ गए 14 में से, अब बाकी 9 का देखते हैं क्या करना है। आगे देखो, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, ये पढ़ो। द पेमेंट ऑफ सैलरी वॉज एज पर मार्केट रेट इन कंपेरिजन टू सिमिलर वर्क, यानी मैंने एक्सेस नहीं पे किया, यानी 40A2 नहीं लग रहा, यानी एडबैक नहीं होगा, ये पीएनएल में पड़ा रहेगा, ये एडबैक नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको पक्का? ठीक चलो, अब हमारा माइंड बोल रहा है ढूंढते हैं कैपिटल गेंस, मुझे कैप गेंस नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा कैप गेंस, कोई बात नहीं, डैश मार के छोड़ दिया, डैश छोड़ दिया। अब कौन सा बच गया हेड? मैं नहीं जा रहा वहां पे अभी, अब मैं जाऊंगा डिडक्शन पे, इजी होता है डिडक्शन बेटा, वो स्कोर करो ना, क्यों जाना उसके ऊपर आपको अभी। अब क्या चलते हैं डिडक्शन पे, ढूंढते हैं डिडक्शन, आ जाओ बताना कि दिख रहा है कोई पॉइंट डिडक्शन का? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स हिडन पॉइंट टीटीए 10,000। आ जाओ डिडक्शन का नोट, ये रहा टीटीए सेविंग्स का 10 लिख दिया। अगला ढूंढते हैं, रेंट है नहीं, कोई खर्चा देखो दिख रहा है आपको कहीं? इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, पता नहीं लाइफ का है या हेल्थ का है, आते हैं इसके ऊपर। फीस होगा नहीं, डेप होगा नहीं, रिमुनरेशन घर का पॉइंट था, रेट टैक्सेस इंटरेस्ट एआर एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस। आ जाओ कितना पे किया टोटल? रिप्रेजेंट लमसम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय भसीन फॉर 3 ईयर्स। किसके लिए पे किया है? सेल्फ, स्पाउस, 2 बच्चे। एक मिनट, हेल्थ इंश्योरेंस अपना फैमिली का, ये खर्चा बिजनेस का है? नहीं है, यानी पीएनएल में क्या करेंगे इसको? एड बैक। कितना? पूरा। पॉइंट समझ आ रहा है? आ जाओ अब देखते हैं 80D कितना मिलेगा, रुक जाओ। 72,000 किसका पे किया है? अपना, वाइफ, दोनों बच्चे।
कोई दिक्कत नहीं है, चारों मेरी फैमिली होती है, पर मैक्सिमम सकता है हमको 25,000। एक सेकेंड, 3 सालों का एक साथ पे किया कितना, 72,000। तो एक साल कितना हो गया, 24,000। क्या 24 25 की लिमिट के अंदर आता है? हाँ, पूरा मिल जाएगा 24, पूरा मिल जाएगा 24। स्कैनर में बेटा गलती है, इन्होंने 18 ले रखा है, पता नहीं क्यों इन्होंने गलती से 3 को 4 कर रखा। मतलब अब देखना स्कैनर का आंसर, इन्होंने 4 ईयर्स में कर दिया है जो गलत है। जब 3 कह रहे हैं तो 3 लेंगे ना भाई। अगर आपको स्कैनर का आंसर दिखाऊं एक बार, देखो स्कैनर ने क्या किया यहां पे, हमें कितना करना है यहां पे, 3 डन। कितना आएगा हमारा, 24,000। देखो आ गया 24, पक्का क्लियर। और देखते हैं ये ब्लॉक का है। अच्छा ये बताना, भसीन ने लोन ले रखा है 5 लाख का, हायर एजुकेशन बेटे के लिए, 75,000 का इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल 75,000 का है, इंटरेस्ट 40,000 का है। कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 40, सेक्शन 80E में डाल दिया 40,000। क्या भाई साहब कह रहे हैं कि हमने ये खर्चा नहीं दिखाया इनकम फिनिचर में, अच्छी बात है, दिखाया होता तो क्या करना पड़ता, एडबैक करना पड़ जाता। खैर मारो टोटल आ गया डिस्टेंस का 74,000, ले जाओ ऊपर। कितना आ गया, 74,000, ये भी हो गया। अब हमारा खाली रहता है पीजीबीपी, पर पता है अभी तक आप 7 मार्क्स ला चुके हो क्वेश्चन के अंदर, और हमको 7 के बाद ये भी पता लग चुका है क्या क्या एडबैक करना है, क्या माइनस करना है। ट्रिक समझ आ रही, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, अभी तक जब आपने कभी ट्राई किया हो, स्टार्टिंग की होगी पक्का पीएनएल अकाउंट के ऊपर से ही करना ही नहीं है, एंड में जाएंगे क्योंकि वहां गलती पक्का होगी, वही गलती होती है, यहां गलती यहां कम थे। समझ आया कैसे करना है अटेम्प्ट पक्का? हेलो, अपना दिमाग मत लगाना इसके अंदर प्लीज, खो जाओगे मार्क्स के ऊपर। क्या चलो अब निकालते हैं पीजीपी। मुझे बताओ ये पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। जब भी प्रॉफिट दे रखा होता है हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। आ जाओ भाई, पीजीपी का नोट नंबर कौन सा है मेरा, 4। आ जाओ पीजीपी नोट नंबर 4, ये रहा कॉम्पिटिशन इनकम फ्रॉम पीजीपी, स्टार्टिंग पॉइंट डाल दिया। चलो काम करते हैं, जो हमने लिखा था ना एडबैक माइनस करना है वो कर लेते हैं। पहले 3 चीज माइनस करनी है हमको, कौन कौन सा, सेविंग्स का इंटरेस्ट, लॉटरी इनकम और रेंट माइनस करना है। इसकी हेडिंग बताओ, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल बट टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। देखो इनकम टैक्स अंडर हेड्स क्रेडिटेड, तीनों को माइनस कर दिया। देखो कैसे, देखो सामने देखो एक बार, हम यहां लिखते हैं हेडिंग्स, कौन सी हेडिंग कह रही है क्या करने को। ये हेडिंग कह रही थी 3 चीजें माइनस करनी है आपको, हमने तीनों का नाम लिखा, इनर कॉलम में 3 अमाउंट लिखे और टोटल भेज दिया आउटर कॉलम। आउटर कॉलम में खाली आएंगे आपके 4 अमाउंट्स, 4 हेडिंग वाले अमाउंट बस, और कुछ नहीं आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है, तीनों माइनस कर दिए, बाहर भेज दिया। अब देखते हैं कौन से खर्चे में एडबैक करने थे, हमने मार्क तो कर रखे हैं बहुत सारे खर्चे, ये एडबैक करना है नहीं, ये वाला अभी तक तो नहीं, ये करना है टैक्सेस। कितना एडबैक करना था, 7500। ओके जी डन, 100 बेटा 100। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना ऐड करना है, पूरा 80 पर 60 अदर हेड्स, 20 43B। ठीक है ये लो भाई, 43B का 20 आ गया, इंटरेस्ट का 60 आ गया, समझ आ रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना ऐड होगा, पूरा कितना 32,000 कर दिया एडबैक पूरा। आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन, बताऊं पूरा ऐड कर दो, हम तो अलग से निकालेंगे अपना, पूरा ऐड कर दो, पहले पूरा ऐड कर दो, कितना आ गया 120, पूरा ऐड कर दिया, जो सही होगा हम निकाल लेंगे उसको। ठीक है चलो पूरा ऐड कर दिया। अच्छा अब सुनो ध्यान से, एडजस्टमेंट देखते हैं, कोई छोड़ते नहीं थे हमने, कोई पहली पूरी पढ़ ली है, सेकंड पूरा पढ़ लिया है, थर्ड पढ़ लिया है, फोर्थ पढ़ लिया है, फिफ्थ क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द एआर रिसीव्ड, याद है 1 किराए पे चढ़ाया था इसने, पता है क्या किया, 240 नोशनल रेंट मान के डेबिट कर दिया, कह रहा है मैं ऑफिस कर रहा हूं खुद को रेंट पे करूंगा, अलाउड डिसअलाउड, डिसअलाउड कितना ऐड हो जाएगा, 240 कर दिया एड, सारे खर्चे एडबैक कर दिए।
टोटल भेज दिया बाहर 5495। यहां तक समझ आया? अब देखते हैं सही डेप कितना होना चाहिए था हमारा। डेप का नोट कहां है? ये रहा, एक ही ब्लॉक है डेप का, 2 अप्रैल 23 को आया था, जिसमें नए लैपटॉप कितने के थे? 16। जोड़ते चलो 16। लैपटॉप की एक्सेसरीज लैपटॉप में जाती हैं 40,000। कितना हो गया टोटल? 56। अच्छा नहीं, कह रहे एंटायर कॉस्ट 2 लाख। अच्छा टोटल, ओके टोटल कॉस्ट दे रखी 2 लाख की। टोटल दे रखा कितने का? टोटल कॉस्ट दे रखी है 2 लाख की। कह रहा है ये चीज में इंक्लूडेड है, बढ़िया है। 2 लाख का टोटल है, कंप्यूटर लैपटॉप में कितना लगना चाहिए डेप? इसने कितना लगा रखा है? 60। 2 लाख का 60 कितना होता है? 2 लाख का 60 कितना होता है? 1 20 हमने कर दिया ना पूरा एडबैक। कितना माइनस करोगे? 80। 2 लाख का 40% माइनस कर दिया। कौन समझ आया? स्कैनर में क्या कर रखा है उन्होंने? स्कैनर में उन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने सीधा डेप एडबैक रखा होगा 40। हमें क्यों ऐसे करना है भाई? ऐसे दिखा दो, यहां करने में गलती होगी मार्क्स कट जाएंगे आपके। पर अगर ऐसे करो, कम से कम 1 20 पूरा एडबैक सही कर रखा होगा आपने, उसके मार्क्स को लेके आओ। समझ आ गया? कर दिया प्लस माइनस, कितना आ गया इनकम? बीजेपी की इनकम 3 7 आ रही है। बीजेपी की इनकम ये नहीं आ रही, मैंने गलती करी है कुछ, चेक करूं एक बार। मेरा कैलकुलेटर कहाँ यार? ये कौन सा टोटल गलत है बताओगे मुझे एक बार? कौन सा टोटल गलत है? टोटल कौन सा? ये मैंने ऐड नहीं कर रखा। ये कितना आएगा? अच्छा मैंने पॉइंट बताया नहीं बेटा, सॉरी आपको। ओके सॉरी, और आ गया, सॉरी सॉरी, देख लेते हैं। हाँ ये रहा ना, द एक्सपेंसेस ऑन प्रोफेशनल फीस कितने की है? 2 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 लाख। उसमें क्या रहा है? 2 लाख में से 1 लाख ऐसा अमाउंट है जो अपने रेजिडेंट को पे किया बिना टीडीएस के, 194J लगना चाहिए था। अगर नहीं काटा कितना रिसला होता है? 30% पूरे 2 लाख का नहीं, 1 लाख। तीसरा क्या कर दिया हमने? एड बैक सेक्शन याद है 40AIA। अब आ रहा है टोटल मैथड आपका, अब आ गया 380 to 500 आ गया। अब कौन सी डिफरेंस आ रहा है? हो गया टोटल मैच, इसको ले जाओ ऊपर, डाल दिया पीजीपी के अंदर, सब आ चुका है। टोटल जीटीआई डक्शन माइनस टोटल इनकम आ गई, क्लियर है? अब निकालते हैं इस पर टैक्स, वो भी तो मांगा है। मुझे बताओ इसमें से कोई इनकम स्पेशल नेचर की है? लॉटरी इनकम कितने की थी? 1 लाख की, 1 लाख की थी ना, तो मैंने 1 लाख लिख दिया स्पेशल इनकम, बाकी लिख दिया नॉर्मल इनकम। नॉर्मल क्या लग जाएगा? स्लैब। बताना कितना टैक्स बनेगा 41,08,000 पे? ओल्ड स्कीम लगाओ, टैक्स लगा कितना? 10,44,900 आ रहा है, सबका आ रहा है। ये देखा, सेस में जोड़ना भी। एक मिनट समझ आया नहीं, हंसते नहीं आया। अच्छा कैजुअल इनकम का सेक्शन याद है? 115BB 30% 30,000, दोनों टैक्स को जोड़ो आपस में, ये बन जाएंगे 1,074,900, इस पे सेस, ये आ गया 1,117,900, मैंने राउंड अप कर दिया है 280B के अकॉर्डिंग। टैक्स निकल गया सबका पक्का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर अगर ये क्वेश्चन करना होता BSE के अकॉर्डिंग तो क्या करते? पहली बात तो ये नहीं होता, नहीं होता। और बताऊं सेल्फ ऑक्यूपाइड का 20,000 भी नहीं होता, लेट आउट सेम रहता, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मिलता। यानी आपकी इनकम बढ़ जाती 20,000 से और रिडक्शन नहीं मिलते आपको, बस वो होता, बाकी सब सेम रहता, टैक्स निकाल देते नेक्स्ट लैब के अकॉर्डिंग उसके ऊपर। पॉइंट समझ आ गया सबको? क्लियर कैसे क्वेश्चन करना है? खत्म क्वेश्चन एक, आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मिस्टर प्रमोद, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है शायद ये नवंबर 23 देखिए आए थे अभी। खुशाल सही किया था एग्जाम में। पता लग जाएगा अभी। चलो आ जाओ, करंट ये क्वेश्चन है, बस ऊपर ध्यान रखना रेजिडेंट और एज स्लैब की बात हो रही है। अच्छा 115 बीएससी में एज से फर्क पड़ता है? नहीं, एक ही स्लैब है। पता है जो पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, ऑल द सेल्स आर बाय अकाउंट पे चेक। ये पता है पक्का ले जा रहा है आपको 44 एडी की सीरीज पे। एडी में होता है ना सारा चेक से आएगा तो 6% 8%, ये हिंट होती है। सारी सेल ऑनलाइन है ना, पक्का या तो यहां ले जा रहा होगा या आपको ले जा रहा होगा टैक्स ऑडिट के इम्प्लीकेशन के ऊपर, दो ही केस है। अच्छा बाकी पॉइंट नहीं देख रहा मैं अभी, मैं भी देखता हूँ करना क्या है। तीन केस है जी। पहला क्या रहा है, प्रॉफिट निकालो एज पर नॉर्मल अगर उसने क्या ले लिया बीएससी, ओके। फिर क्या रहा है निकालो अगर उसने क्या ले लिया एडी। तीसरा क्या रहा है नॉर्मल। फिर तीनों बताओ सबसे बेनिफिट कौन सा है उसको, यानी एक क्वेश्चन को तीन बार सॉल्व करना है। आप बताओ अगर मैं क्वेश्चन को नॉर्मली पहले सॉल्व कर दूं वहां से पहुंच जाऊंगा बीएससी के ऊपर आराम से माइनस प्लस माइनस करके। नॉर्मल सॉल्व करते हैं, नॉर्मल आपको पता है पहले क्या लिखने आपको पांचों हेड्स पक्का। अब पांचों हेड के बाद पहले क्या ढूंढना है हमको, अदर सोर्सेस। सेल्स में तो होगा नहीं, स्टॉक में तो होगा नहीं, रेंट में होगा नहीं, फर्नीचर में हो सकता है। रेंट फ्रॉम फर्नीचर, क्या पता बिजनेस ना हो उसका भाई साहब का। भाई जाओ ना याद करो कॉम्पोजिट रेंट। खैर रेंट फ्रॉम फर्नीचर कितना मिला इसको 120। अच्छा और कोई इनकम देखो दिख रही है आपको, आईएफओएस की, स्टॉक की बात कर रहा है, रेट्स की बात कर रहा है, खर्चों की बात, शेयर पे लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन, डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट पे किया, नहीं है। अदर सोर्स की इनकम निकल गई, कितनी इनकम है 1,20,000। एक मिनट में एक नंबर आ गया आपका सीधा, जब बनाएंगे नोट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितनी आ गई 1,20,000। ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में नहीं है जैसे मैंने बोला था, आपको ट्राई करना समझा देता हूं, बनाना उसी फॉर्मेट के अंदर जैसे हमने बनाया था अभी, पांचवें हेड्स का टोटल करके ऐसे मत बनाना प्लीज। पक्के 20 आ गया। अब ढूंढते हैं और कोई इनकम, नेक्स्ट कौन सी ढूंढते हैं हम लोग, एचपी, और ढूंढते हैं और प्रॉपर्टी। सेल्स नहीं, स्टॉक नहीं, रेंट फ्रॉम एचपी कितना है 180। पर देखते हैं कोई पॉइंट ना उसके बारे में, कोई रेट टैक्सेस, एडमिन खर्चे, ट्रांसफर खर्चे, डेप्रिसिएशन, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई नहीं है ना, यानी देखता हूं अब नहीं, इनकम में कोई पॉइंट नहीं है। अब चलते हैं खर्चों के ऊपर, खर्चों में देखते हैं सेल्स का पॉइंट, स्टॉक का पॉइंट, रेट टैक्सेस में जीएसटी लाइबिलिटी है ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने हैं माइनस करना पड़ेगा। अच्छा MBFRSR नहीं है तो जीएवी क्या बन गया, AR 180, 180 जीएवी माइनस 7,000 के टैक्सेस कितने हो गए 1,73,000 हो गया ठीक है जी। रुको आ चुके हैं यहां तक 173 तक, 24 ये माइनस कर दिया इसका, बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमको, कितने निकल गए इनकम 121,100 दोनों हो गए। क्लियर है, देखो अपना आप एक काम करते चलना, हमें क्वेश्चन तीन बार सॉल्व करना था, ये नॉर्मल में, एडी के अंदर और 115 बीएससी। अभी तक ना तीनों सेम चल रहा है क्योंकि ये तो इनकम बाकी चीजों की है, तो अगर आप क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व कर लोगे ना एक बार पांचों हेड्स का टोटल दिखाना नॉर्मल के अकॉर्डिंग, फिर पांचों का टोटल बीएससी के अकॉर्डिंग, फिर पांचों का टोटल एडी के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट बना सकते हो, कोई नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, पर मैं कहने का ट्राई कर रहा हूं ये अमाउंट दोनों में सेम चल रहे हैं, यानी आपने एक बार निकाला सब में हो जाएगा यूज, सेम नोट। और अभी तक आप 14 में से कम 4 नंबर स्कोर कर चुके हो ठीक है। अब चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर, आओ देखते हैं डिडक्शंस। या पहले देखो कैप गेन से, कहीं पे कैप गेन दिख रहा है, कैपिटल गेन से कहीं पे,
कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, लॉस हुआ 8,000 का, लॉस ही है ना, ठीक है लॉस आ जाएगा थोड़ा सीधा, कोई देख के बड़ी बात नहीं है लॉस में तो। एक मिनट, ये डीलर तो नहीं है, डीलर डीलर तो नहीं है ना, नहीं 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 ठीक है, क्या आपके यहाँ लॉस है, छोड़ दो कमर काम का नहीं है फिलहाल, आप ढूंढते हैं डिडक्शंस, आ जाओ डिडक्शंस है कोई, ऊपर तो नहीं है, एक मिनट ये बताना ये क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी ऑफ 5,000, मतलब जीएसटी पे किया है इसने, क्या जीएसटी ऐसा खर्चा अलाव होता है हमको, हाँ इनकम टैक्स नहीं अलाव होता, ये अलाव होता है पर 43B क्या बोलता है, कब तक पे कर देना, आईटीआर से पहले एक ने कोई पे हो गया अलाउड, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने इग्नोर कर देंगे। ओके, एडमिन खर्चे में 25,000 डोनेशन है टू नेशनल चिल्ड्रन फंड पीजीबीपी में एडबैक और डिडक्शन में 80 जी 25,000 का आ गया। ओके जी, डिपॉजिट करे 50 कहां पे, पीपीएफ 80C, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 80C। ओके और कुछ तो है नहीं, देख लेते हैं जल्दी से डिडक्शंस का नोट हमारा, ये रहा 80C आ गया, 80G आ गया, अब देखते हैं और कोई डिडक्शन मिल रही है हमको, अच्छा ये रहा इंटरेस्ट 70,000 ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ वाइफ, मिल जाएगा एक बार देख लेना, 8 साल हो तो नहीं गए, नहीं हुए 8 साल, 18-19 है, ये भी देख लेना बेटा, कई बार चुपके से डाल देगा 2013-14 और माइनस करके आ जाओगे, 8 साल तक मिलता है इंटरेस्ट, या फिर लोन खत्म हो गया वहां तक मिलता है इंटरेस्ट, 70 मिल जाएगा 80 का, ये भी हो गया, कितना टोटल, टोटल कितना डिडक्शन आपकी, डिडक्शन टोटल 2,05,000। मुझे बताओ जब मैं, आपने बोला था तीनों कलम साथ में करेंगे, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल प्रोविजंस, 115 बीएससी और एडी, नॉर्मल में आएगा डिडक्शन, आएगा, एडी में भी आएगा, पर बीएससी में नहीं आएगा, दो नंबर स्कोर हो गए आपके बैठे बैठे। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, अब बताऊं सबसे पहले सॉल्व करो एडी वाले को, एक मिनट में आ जाएगा एडी का आंसर, एडी में खर्चे माइनस करने नहीं कोई हमको, सीधा 6% लेना है क्योंकि सेल्स ऑनलाइन सेल्स है, कितनी सेल है भाई सबकी, 70,80,000, निकालो 6% इसका, कितना आया, 4×24 आगे 800। अब देखो भाई साहब सुनो, एडी वाला आंसर ही हो गया, पता है आपका एचपी निकाल चुके हो, ये निकाल दिया, ये निकाल चुके थे, जीडीए पे आए थे, डिडक्शन माइनस, आंसर आ गया एक तो, एक पार्ट खत्म क्वेश्चन का सीधा सीधा, समझ आया एक पार्ट, यानी आप 14 में से ना 8 नंबर स्कोर कर चुके हो ऑलरेडी। अब चलते हैं नॉर्मल प्रोविजंस के ऊपर, नॉर्मल निकालते हैं, आ चलो भाई आ गए नॉर्मल पे, नॉर्मल में सबसे पहले ये दोनों माइनस होंगे, हेडिंग क्या होगी, इनकम क्रेडिट अंडर अदर हेड्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 10,46,000, 1046 तो हेडिंग है हमारी, अरे कहां सॉल्व किया मैंने ये, अरे मैंने सॉल्व कहां किया, ये हेडी वाला है ऊपर ही है, हाँ तो एक ही बात तो है, डिडक्शन माइनस करेंगे, एक ही बात तो है, ठीक है ठीक है, खैर वन मोर से आ गया, कितना माइनस कर दी इनकम, माइनस कहाँ करी मैंने, मुझे क्यों नहीं दिख रही ये, अरे हेडिंग गलत हो गई ना, ये हेडिंग गलत हो गई ना, ये हेडिंग नहीं है, ये इसकी हेडिंग क्या बनेगी, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल बट टैक्सेबल अंडर अदर हेड, देखो यहां माइनस करोगे ना आंसर चेंज नहीं होगा, पर गलत, पर समझो फॉर्मेट, हाँ गलत हो गया ना फॉर्मेट, खर्चे छोड़ी ना इनकम है ये, माइनस कहाँ करना, अलग हेडमेट आगे माइनस करना, ठीक है माइनस सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं और खर्चे आते हैं, खर्चों के ऊपर आते हैं, पहले काम करते खर्चे टिक कर लेते हैं जहाँ नोट्स हैं, अच्छा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बाय 15, ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है इनकम होती है, खर्चा 15 ज्यादा दिखा रखा है,
यानी हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, 15 एड बैक हो गया एक्सपेंसेस डिसअलाउड के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा दिखा रखा है, मतलब इनकम बढ़ा रखी है, माइनस कर दो 20,000, माइनस कर दिया 20,000। ओके, रेट टैक्सेस में 7,000 क्या करना है हमको, एड बैक, 5 कुछ मत करना, सही है वो। एडमिन खर्चों में डोनेशन 25,000, एड बैक। और भाई सबने पता है क्या किया है, 60,000 का लैपटॉप ऐड कर रखा है, लैपटॉप क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन, पूरा 60 कर दो, एड बैक कर दिया। ट्रांसफर चार्जेस पेड इन कैश, मतलब 48,300, एक दिन में एक इंसान को एक बिल के लिए 10 से ऊपर कैश नहीं रखते, पूरा 30,000 एड बैक, पूरा 30। लॉस कुछ नहीं करना आपको, अभी समझ आया इतना आपको, रुक जाओ, अब चलते हैं डेप पे। कह रहे डेप ना 1200 रुपए का है ऑन ट्रेडमार्क्स, रॉन्ग चार्ज कर दिया 15,000 से, 1200 एड बैक कर दो, 1200 एड बैक कर दो, पूरा कर दिया, सारा एड बैक कर दिया। अब चीजें करते हैं माइनस करना स्टार्ट। देखो सबसे पहले माइनस में आएगा ये लैपटॉप वाला पॉइंट, 60,000 हमने एडबैक कर दिया था, इसका 40%, 24,000 माइनस होगा डेप्रिसिएशन नाम से, माइनस कर दो 24,000, ठीक है। अब चलते हैं इस पे, मुझे बताओ ट्रेडमार्क्स इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, एडबैक कितना लगना चाहिए था, 25, कितना लगा रखा है 15, रुक जाओ, हमने 12 एडबैक कर दिया पूरा, हमें खाली एक्सेस वाला माइनस करना है अब, नहीं सॉरी पूरा माइनस करना है, हाँ 1200 डिवाइड बाय 15 इंटू 25 कितना आता है, 2000 आता है, दो माइनस कर दो, इसे समझ आया कैसे हुआ, नहीं आया, आ गया, कितना है आप करने के बाद, 838 आ रहा है, क्या पॉइंट टूट गया हमारा, यार 8 आना चाहिए था सबका, 838 आ रहा है, क्या आ रहा है सीडरी टोटल कितना आ रहा है, देखना क्या पॉइंट छूटा है, कुछ पीजीपी टोटल, पीजीपी का टोटल, पीजीपी का 8,00,000 नहीं आ रहा, एक बार देखना मेमोरी में जाके एक बार चेक किया आपने, अरे स्कैनर का नहीं बोल रहा, तुम्हारा बोल रहा हूँ भाई, तुमने कैलकुलेट तो कराया ना अभी, अरे स्कैनर मत देखो भाई, क्या सिर्फ देखो, नहीं आया क्या निहाल, कोई बात दोबारा कर लेते, छोड़ो दोबारा उठा लो, दोबारा कर लेते हैं, आ जाओ चलो, लिखो 1046, लिखो स्टार्टिंग, लिखो स्टार्टिंग पॉइंट 10,46,000 डाला स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है अब करते हैं, करके स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ क्वेश्चन आ जाओ, चलो ठीक है, सबसे पहले माइनस करो 180, माइनस करो 120 कर दिया, उसके बाद प्लस करो, हाँ अच्छा प्लस करो 15,000, माइनस करो 20,000 कर दिया, प्लस करो 7,000, प्लस करो 25,000, प्लस करो 60,000, प्लस करो 30,000, प्लस करो 1200, माइनस करो इसका 2,000, माइनस करो 24,000, 38 आ रहा है, एक ही तो बात है, 1200 माइनस, यार ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्यूशन टाइप करके दिया था मुझे, मैं इसको ठीक कर नहीं पाया, बाकी मैंने कर दिया ठीक, हाँ अच्छा वैट नहीं कर रखे लोगों ने, आप कितना आ रहा है 838 ना, सुनो दिक्कत क्या हुई है, ये जो हमने ओके सुनो वो 30% कैश, सॉरी 40 है 3, 30,000 एडबैक नहीं कर रखा इसने कैश वाला, हम ठीक हम करते हैं ऐड करते हैं, ऐड आओ हम करते हैं यहाँ पे ऐड, यहाँ कितना ऐड होगा 40 है 3 वाला 30,000, ये वाला पॉइंट कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये भी तो एडबैक होगा, ये नहीं कर रखा, हम ऐड करते हैं ऐड, चलो कितना आ गया हमारे टोटल, ये 838,200 पॉइंट समझ आ गया आपको ये, ठीक है अच्छा, अब
निकालते हैं इनकम, नॉर्मल इनकम निकालते हैं, 832 आ गया। और कौन सी इनकम हमारे पास, अदर सोर्स की कितनी इनकम है, 120 एचपी की इनकम 1,100, जीटीआई आ गई 1049 300, तो अर्निंग चेंज करना पड़ेगा ना, कितनी जीटीआई 1079 300, कितनी डिडक्शन थी हमारी 205,000, करना कितना आ गया 874। ये समझ आया क्या हुआ सबको, एक काम करते हैं इसे मैच कर लेते हैं बार एडी वाली इनकम से, क्योंकि एडी हो या ये हो सेम टैक्स निकलना है दोनों के ऊपर, तो नॉर्मल इनकम 873,300 और एडी वाली कितनी है 2, नहीं नहीं एडी की टोटल इनकम, एडी वाली इनकम कहां है यार, एडी वाली इनकम कहां है, ये रही ना, हाँ 460,900 ज्यादा कौन सी है, एडी ज्यादा है कि नॉर्मल ज्यादा है, तो कौन सी लेंगे हम लोग अभी, एडी बेटर टैक्स सेम निकलता है, एडी और नॉर्मल है तो एडी पे एग्जाम टैक्स निकालो, ये नॉर्मल टैक्स निकालो, सेम टैक्स तो लगते हैं, टैक्स लगता है अलग, अरे मैं टैक्स उसका निकालना नहीं बेटा, अब आप खुद सोचो ना, अगर आपकी नॉर्मल इनकम आ रही है 74,300, एडी वाली आ रही है 460,900, तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं, एडी वाला, अब नॉर्मल टैक्स निकालने क्यों है आपको, छोड़ दो उसको, आप निकालते हैं बीएससी वाली इनकम, दो निकाल चुके हैं, चलते हैं बीएससी पे, देखो बीएससी में ना बस सारे खर्चे ठीक हैं, बस क्या माइनस नहीं होगा डिडक्शंस, और खर्चा तो नहीं माइनस करने वाला, तो बीएससी में कितनी इनकम बन जाएगी आपकी 1079,300 पक्का, ठीक है। अब काम करते हैं टैक्स निकालते हैं ऑन 1079,300, नहीं क्वेश्चन बोला क्या निकालने को हमको, क्वेश्चन है क्या बोला, तीनों टैक्स निकालने क्या, रुको अच्छा तीनों के टैक्स निकालने हैं, ठीक है चलो, बीएससी में कितनी इनकम आ रही थी आपकी 1079,300, निकालो टैक्स बीएससी के अकॉर्डिंग, पहले 3,00,000 तक जीरो, फिर 3 तक कितना है 5, फिर अगले दिन से 10-15 करो कितना आ रहा है, आप करो मैं भी करता हूं, ये आ रहा है 74,770 नहीं आ रहा, हाँ ये आ रहा है ना 74,770, ये आ गया हमारा बीएससी वाला स्लैब, तूने क्या कुशल, ठीक है अब चलते हैं एडी वाली इनकम पे, एडी वाली इनकम कितनी है 460,900, एक मिनट टैक्स निकालना क्यों, रिबेट मिल जाएगी इसको, तो 500,000 रिबेट मिलती है, टैक्स निकल के आने वाला है जीरो पक्की बात है, जब पता है टैक्स जीरो आने वाला है और नॉर्मल की इनकम कितनी है 800,000 उसमें टैक्स आएगा, हमें पता लग गया आंसर क्या होगा हमारा, एडी वाला ऑप्शन, टैक्स निकालना टैक्स निकाल सकते हो लोग आराम से यार 824 पे 500,000 तक, हाँ हाँ निकालना, क्वेश्चन ने बोला निकालने को, पर मैं आपको बता रहा हूं आंसर क्या आएगा आपका, एडी वाली इनकम, क्योंकि उसमें टैक्स बन रहा है आपका जीरो, समझ आ गया पक्का, हेलो। अब इस पूरे क्वेश्चन में ना एक बात भूल जाओगे आप सारे, शॉर्ट टर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, ए करके आया था एग्जाम में वो याद है तेरे को, हाँ वो क्या होगा कैरी फॉरवर्ड, क्लियर क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को प्लीज ना आज ही फेयर कर लेना एक बार, क्योंकि इसमें बहुत कटिंग वटिंग हुई है यार, बस यही क्वेश्चन मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया था, जो बाकी सारे मैं सॉल्व कर गया था, एक्चुअली क्या हुआ कल मैं सॉल्व करने बैठा सारा तो 3:30 बज गए, इसके आता हिम्मत नहीं सॉल्व करने, मैं 3:30 बज गया सो जाऊँ, 4:30 क्लास हुई मेरी यार, बाकी सारे सॉल्व कर रखे मैंने, आ जाओ इस पे आ जाओ, निकालो कब आया ये, क्या हुआ
ये वाला पेपर दिया था। अच्छा कब आया ये? नवंबर 22। आ जाओ देखो, मई 23 हो गया, नवंबर 23 हो गया, अब चलते हैं मई नवंबर 22। आ जाओ, अब आपको सही लगेगा, अब गलती नहीं मिलने वाली आपको, अब होंगे तो बहुत छोटी गलतियां होंगी। चलो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे। हाँ पहले पांच हेड लिखेंगे, पहले लिखेंगे पांचों हेड्स, ठीक है जी। ओके भाई साहब क्या है? सर्जन, एक मिनट, सर्जन प्रोफेशनल 44 ADA, इनका याद है कितना होता है? 50% प्रॉफिट। और पता है हमारे महान सिकंदर ने क्या किया है? उन्होंने 50% टैक्स बोला है उसको। वो टैक्स नहीं होता, वो प्रॉफिट होता है। हाँ चलो देखो, रोहन की एज 82 है, भाई साहब को स्लैब कौन सा मिलेगा? 5 लाख वाला। बीएससी में हुआ तो 3 लाख, वहां 3 ही होता है, ठीक है। अच्छा चलो, पांचों हेड लिख दिए होंगे आपने, उम्मीद करता हूं, ठीक है। क्या ढूंढना है हमको? अदर सोर्सेस। ओके, सैलरी टैक्सेस एंटरटेनमेंट, आपको चीज समझ आ रही है? ये पीएनएल अकाउंट नहीं है। हाँ यानी यहां पता है कौन सा मेथड लगेगा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जो खर्चे पीजीपी के हैं वही माइनस करो, जो खर्च जो इनकम पीजीपी की है वही लेके चलो, कोई एडबैक का पंगा ही नहीं होता यहाँ पे। तो कोई एडबैक कब करते हैं? जब चोमू भैया ने पीएनएल गलत बनाया हो, या बनाया नहीं पीएनएल, सर डेटा आपके सामने है, तो जो इनकम पीजीपी की है वही लिखो, जो खर्चे पीजीपी के हैं वही माइनस करो, अपने आप कहां पहुंच जाओगे? पीजीपी की इनकम के ऊपर। यहां एडबैक का पंगा ही नहीं है कोई हमारे पास। खैर ढूंढते थे उसकी इनकम, आ जाओ। अब पता है इस साइड नहीं होगी, इस साइड होगी, पीएनएल अकाउंट नहीं है ना, रिसिप्ट मैनेजर है। आ जाओ, फीस मिली है पीजीपी इनकम, फीस डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। एक सेकेंड, नेट का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तेरे जूता फेंक के मारूंगा। नेट का मतलब क्या है? यहां पे टीडीएस के बाद डिविडेंड पे कितना टीडीएस होता है? 10%। 18,900 मिले हैं, मतलब 90% इनकम है। कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 21,000। अदर सोर्स में कितना लिखोगे डिविडेंड? 21,000। पता है अगर ये पीएनएल अकाउंट होता, हम इनकम माइनस कितने करते? 18,900, पर अदर में जोड़ते कितने? 21,000, ठीक है इतना। और अक्षय जी समझ आ गया? चलो, फीस मिली है पीजीपी, गिफ्ट मिला है पेशेंट के रिश्तेदारों से। कौन से हेड की इनकम है? पीजीबीपी की इनकम है, क्लाइंट आपको गिफ्ट दे रहा है। हाँ तीन चीजें याद करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा गिफ्ट, सैलरी, आप मुझे गिफ्ट दोगे पीजीबीपी, कोई रैंडम इंसान देगा तो अदर सोर्सेस। इसमें कोई लिमिट नहीं है 50,000 की, जितना मिला पूरा टैक्स। अब पता है लास्ट बैच में बच्चे ने बोला, सर पेशेंट ने दिया, पेशेंट के रिश्तेदारों ने दिया है। तो मैंने कहा अच्छा, पेशेंट अगर 5 साल का बच्चा होगा वो कहां से लाके देगा? उसके पापा ही लाके देंगे ना भाई आपको। ये एक साहब बता रहा है आपके बिजनेस की इनकम है। कितना आ गया? 45,000। कहां जुड़ेगा? पीजीपी, अदर सोर्स नहीं है। हमारे स्कैनर ने पता है इसको अदर सोर्स में लिख के लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट। भाई एग्जेम्प्ट कहां से? हां पढ़ लो, अदर सोर्स में लिखा है एग्जेम्प्ट, यानी दिखा रहे हैं 50,000 से कम भाई उसकी इनकम ही नहीं है। अच्छा निहाल क्या लिखा है ये? हाँ हॉनोनी, एच साइलेंट होता है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? रिस्पेक्ट से आपको दिए जाते हैं पैसे। भाई साहब ने पेंटिंग, देखो मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करता हूं, मुझे नहीं बुलाता लेकिन पता नहीं क्यों कोई। कितना मिला है? 22,500 ड्रॉइंग करने के लिए। लक्षु, ओ लक्षु नेट फिर खर्चे, हितेश खींच के मार उसके। नेट का मतलब क्या है? आफ्टर टीडीएस 22,500, 90% है, कितना हो गया टोटल? 25,000। अदर सोर्स की इनकम 25,000। हाँ अच्छा, इनकम टैक्स का रिफंड आपकी इनकम ही नहीं होता, पर उसका इंटरेस्ट इनकम होता है। गवर्नमेंट ने लेट पैसा वापस दिया मेरे को, इंटरेस्ट मिला कितना आएगा? 1500। पूरा 1200 कुछ नहीं, सिर्फ 1500 इनकम अदर सोर्सेस, जोड़ दो जाके।
आओ अदर सोर्स के ऊपर, नोट के ऊपर, ये पॉइंट देख रहे हो, सुनो ये पॉइंट क्या करना है आपको, इसका कट अदर सोर्स में नहीं आएगा, तुम मत लिखना भाई, मैं समझाने के बताया यहां पर आपको। चलो ठीक है, ये तीनों आ गए, कोई दिक्कत नहीं आ तक, और ढूंढते हैं, आ जाओ। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एडीए ओके, सैलरी टू सिस्टर ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस लोन, एक मिनट ये क्या, ई पॉइंट क्या है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, अर्नड इनकम ऑफ 10,000 फ्रॉम द अमाउंट एज गिफ्ट, एक मिनट, क्लबिंग होती है ना बहू के साथ, क्लबिंग का मेरा आप पॉइंट याद रखना, या तो पहली स्टेज में क्लबिंग हो जाएगी तो एक्रिएशन क्लब नहीं होगा, पहली स्टेज क्लब नहीं हो पाई तो उसका एक्रिएशन क्लब होता है, याद आ रहा है पॉइंट आपको, नहीं आ रहा, आ रहा है ना, हाँ। खैर इसने कितना गिफ्ट दिया है डॉटर इन लॉ को, बता भाई बता रहा हूं कितना गिफ्ट किया डॉटर को इसने, 60, एक मिनट, बहू आपके रिश्तेदार होती है, रिलेटिव होती है, हाँ, यानी उसके हाथ में 60,000 टैक्सेबल हुआ होगा, नहीं, पहली स्टेज एग्जम्प्ट हो गई, यानी इस गिफ्ट के ऊपर अगर कोई पैसा भाई बहू ने कमाया वो क्लब हो जाएगा, अगर यही क्लब हो जाता तो उसके ऊपर जो कमाया हुआ है वो क्लब नहीं होता, पर क्योंकि ये 60,000 वाइफ का गिफ्ट नहीं बन पाया, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ने बचा लिया, अब इस 60,000 बहू जो कमाएगी वो क्लब हो जाएगा, कितना कमाया बहू ने, 10,000, ये कहां जुड़ेगा, अदर सोर्सेज में, जोड़ 10,000, जोड़ दिया, इनकम निकल के आ गई 57,500, पक्का, ठीक है, आगे ढूंढते हैं, और बताओ कौन सी इनकम दिख रही है आपको यहां पे, कोई जाती हुई इनकम, कोई टेलीविजन डोनेशन एफए का पॉइंट, सैलरी 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 भी नहीं आएगा, ठीक है, और कोई इनकम नहीं आया बेटा, पीजी भी निकाल नहीं रहना, अभी आऊंगा उसके ऊपर, ठीक है, सैलरी हो गया तो हो गया, एक मिनट, डी पॉइंट देखो, डी क्या लिखा है, इंटरेस्ट एंड लोन फॉर रिपेयर्स फॉर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी ने कुछ नहीं बताऊ कहीं पे क्या चल रहा है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सेल्फ ऑक्यूपाइड, रिपेयर के केस में 40 मिल जाएगा, 30, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड का हमारा लॉस निकल के आ चुका माइनस का 30, ऐसे करके दिखा देंगे एक बार में कि एनएवी क्या बन जाएगा, नील 24 है नहीं, बी आ जाएगा कितना, 30, दो हेड तो हो गए हमारे, एचपी भी हो गया और अदर सोर्स भी हो गया, क्या आप यहां दिखा नहीं, सैलरी दिखा नहीं, कहां चलते सीधा पीजीबीपी, आ जाओ पीजीबीपी, भाई साहब की इनकम जोड़ते हैं, कितनी फीस कमाई भाई साहब ने, 585 लक्षु नेट, कितनी जोड़ेंगे इनकम, आज ही बताना बेटा, यही जुड़ेगी मारियो उसको एक कितनी जुड़ेगी, 585/90% कितना हो गया, 6.5 लाख, 3 बार सेम पॉइंट, सही है ना, CMA, हाँ ठीक है, चलो ओके, इसकी इनकम हो चुकी है 6.5 लाख, आईपीडी ओपीडी से पैसे कमाए इसने कितने, 85,000, ये भी जुड़ेगा इसकी इनकम के अंदर, जोड़ दो, इस साल फीस मिली है 10-25 की, वो भी इसकी इनकम है, जोड़ दो, टोटल इनकम कितनी हो चुकी है भाई साहब की, 17,60,000, मैंने तीनों को जोड़ दिया, अब इसमें क्या जोड़ेगा स्पेशल, गिफ्ट, ये भी जोड़ो, कितना हो गया टोटल इनकम भाई साहब की, यहां से 18,05,000, अब चलते हैं खर्चों के ऊपर, अच्छा कोई खर्चे एडबैक नहीं करने, जो जेन्युइन है वही माइनस करने, सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड है, आ जाओ देखते हैं, सैलरी कह रहा है 60,000 की ऐसी है जो सिस्टर को दी है, क्वालिफाइड है पर कैश में है, सैलरी पे कितनी करी है इसने, 3,50 हटा दो 60, कितना बच गया, 2,90, माइनस कर दो 90,
माइनस हो गया 290, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहां निकाल लेता हूँ, इजी रहेगा यार। क्वेश्चन कब आया था ये? मैंने बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है वहां पे यार, ठीक है, मिल गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर्स। एक डॉक्टर दूसरे डिनर पे ले गया, ठीक है, हो सकता है बिजनेस के ले गया, बिजनेस के लिए अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स 40 फॉर रेजिडेंशियल, कितना इंटरेस्ट पे किया इसने? 65,000 का। 25 तो हट जाएगा, सॉरी कितना हट जाएगा? 40 हट जाएगा, कितना रह जाएगा? 25, 25 कर दो माइनस, ठीक है। आगे देखते हैं, डॉटर लॉ हो गया, चलते हैं डेप पे चलते हैं, और कोई खर्चा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ऊपर आ जाओ, यहाँ देखते हैं कोई खर्चा दिख रहा है हमको। गिफ्ट टू डॉटर कुछ करना ही नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ करना ही नहीं है, बस कितना आ गया प्रॉफिट? सॉरी, ये तो करेंगे माइनस, ये तो करेंगे, खर्चे करो माइनस 25 कर दिए, फीस पे करिए माइनस करना पड़ेगा, हाँ कर दो, कर दिया। अब रहता है हमारा खर्चा डेप्रिसिएशन का, आओ डेप को निकालते हैं। डेप में देखो ब्लॉक्स क्या क्या बनेंगे, टीवी खरीदा है, प्लांट मशीनरी 15%, फर्नीचर लिया है घर के लिए, कुछ नहीं करना, और कुछ कह रहे हैं डेप के लिए। नर्सिंग होम इक्विपमेंट्स 220 के शुरू में थे, नर्सिंग होम इक्विपमेंट्स कितना ब्लॉक बनेगा? 15%। मेडिकल बुक्स कितना ब्लॉक बनेगा? 40%। लैपटॉप भी कितना बनेगा? 40%। टीवी कितना आएगा? 15%। यानी कितने ब्लॉक होगा इसके? 15 और 50, 40 और 40। आ जाओ मेरे आंसर के ऊपर, ये आपके ब्लॉक्स है 15, 40, 40, 15। ओपनिंग लिख दिया और इतना डेप लगेगा इसके ऊपर, वो लिख दिया। WDV काम की है नहीं आपके, वैसे छोड़ सकते हो, बस जोड़ना कितना डेप आ गया, जोड़ना कितना डेप आ रहा है 200, ठीक है। ऊपर जाके माइनस कर दिया, आपका निकल जाएगा PGBP 788800। क्लियर है? क्या हुआ श्रीधरी, कितना रहता बता? आंसर मैच करेगा नहीं इसके अंदर से, यहां कर जाएगा, क्या कर लो, यह इतना आ रहा है देखना जरा एक बार, यह इतना आ रहा है या नहीं आ रहा? और भी खर्चे हैं क्या? मैं देख ही नहीं, खर्चे देख लेते हैं, और खर्चे, और खर्चे हैं क्या कोई? एक मिनट रुक जाओ, डेप 70,200, हाँ ये माइनस नहीं किया था यार, ये माइनस माइनस करो 26, माइनस करो 110, ये रह गया था माइनस करना, ये करो। आ गया, अब आ गया ना, वो खर्चे रह गए थे माइनस करना। अच्छा रुको, इसको ऊपर ले जाओ, टोटल इनकम ले जाओ, उसको ले गए टोटल इनकम ले गए, ठीक है। अब चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर, देखो आपको कोई डिडक्शन दिख रही है यहां पे? PPF 80C कितना हो गया? 55,000। अच्छा और कोई डिडक्शन दिख रही है आपको यहां पे? 80G कितना हो गया? 10,000, ठीक है, टोटल हो गया 65,000। अब देखो भाई साहब की एज कितनी है? इसने मेडिकल खर्चे करे हैं, याद करो सीनियर सिटीजन पॉलिसी बारे में कुछ नहीं पता, हम खर्चों को प्रीम ATD मान सकते हैं अप टू 50,000, जोड़ दो 50, कितना होगा टोटल डिडक्शंस का? डिडक्शंस 1,15,000, माइनस कर दिया, आप पहुंच गए टोटल इनकम के ऊपर 7,01,300। कैटेगरी 44 ADA में जाता, देखो ADA में जाएगा, HP सेम रहेगा, IFO सेम रहेगा, सबसे क्या बदल जाए खाली? PGBP। एक मिनट, इसकी टोटल जोड़ो इनकम कितनी है जिसके हमें करना है 50%, 6,500,000, ठीक है, 85,000 और 10,25,000, कितना टोटल हुआ? 17,60,000, अब वो गिफ्ट रह गया, हाँ गिफ्ट, गिफ्ट जोड़ो 45,000 गिफ्ट,
18,05,000 कर दो उसका 50%। अब कितनी आ रही है इनकम टोटल 8,15,000 टोटल 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 इनकम सब डालने के बाद 8,15,000 नहीं आपकी दीदी आ गई। खाली एक पॉइंट चेंज हुआ ना, देखो कौन सी इनकम ज्यादा है इसकी, एडीए वाली नॉर्मल वाली ज्यादा कौन सी है, एडीए। क्या चुनेगा ये नॉर्मल पक्का, इस पे टैक्स निकाल देंगे हम लोग। और हाँ अगर बीएससी होता, खाली बीएससी होता ये नहीं मिलता और ये नहीं मिलता, फिर हम दोनों कंपेयर कर लेते कौन सा टैक्स हमारा ज्यादा बन रहा है। पक्का क्लियर हो गया ऑप्शन 7, एक पे टैक्स निकाल सकते हो ना, टैक्स मांगा नहीं, सोचने मांगा नहीं आपसे, मांगे क्या, निकाल दो निकालना है तो 7 एक पे निकाल लो, कितना टैक्स आ रहा है आपको। वैसे गलती करोगे यहाँ पे आप, पक्का गलती करोगे, टैक्स निकालो जरा एक बार बताओ कितना टैक्स कितना आ रहा है बताओ। आ गया 4.70 पक्का ना सबका आ गया, आंसर नहीं हुआ पूरा अभी तक, इसका टीडीएस कटा है 3 जगह, वो थोड़ी पे करेगा ये, याद है 3 जगह नेट 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 था। आओ देखो कितना कटा, कितना टीडीएस यहां कटा 10% 65,000 का, यहां 2100 का, यहां 2500 का, कट चुका है ना, कितना आ रहा टोटल 69,600। ये कह रहा है मैं 41 क्यों पे करूं, मैं ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है, मुझे वापस दो कितना 27,730। हाँ पॉइंट समझ आया, लक्ष्य समझ आया, 3 बार क्यों ठोका था, नेट नेट नेट, ये वो टीडीएस है जो आपका पहुंच चुका है, वो थोड़ी पे करोगे, पर टीडीएस कब माइनस करते हैं, सेस जोड़ने के बाद जो टैक्स है तब माइनस करते हैं। क्लियर क्वेश्चन पक्का, ठीक है। निशा वाला क्वेश्चन कब आया हुआ है, May 22, 5 मिनट दे रहा हूं, जैसे मैंने बताया पांचों हेड देखो, अदर सोर्सेज एच पे था, पीडीपी के अलावा बाकी इनकम निकालो जल्दी से, जल्दी रफ में निकालो, तुम भी निकालो वीडियो, पॉज कर रहा हूं पिक कराऊंगा जल्दी से, पीडीपी छोड़ दो अभी बाकी निकालो, चलो मैं करा रहा हूं देखते कितना हो गया आप लोगों का, आ जाओ चलो देखो सामने सामने आ जाओ। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 54 की है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पता कहां लेके जा रहे हैं आपको, एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर, ठीक है ओके। नेट प्रॉफिट कितना है इसका 5,61,000, अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है मतलब कौन सा मेथड लगेगा, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। पता है एक बार ध्यान रखना, कह रहे ये चीजें कंसिडर नहीं हुई प्रॉफिट निकालते हुए, यानी जो चीजें कंसिडर नहीं हुई अगर वो गलत है तो अच्छी बातें नहीं हुई, पर अगर सही है तो हमें माइनस करना पड़ेगा उनको, ठीक है। पहला अपन डेप क्या छोड़ दो, हम तो क्या ढूंढ रहे हैं, अदर सोर्सेस, जॉब वर्क कमीशन पे किया, लॉस हुआ, एक मिनट, लॉस हुआ है ट्रेडिंग करने से, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ओके, ये भी आपका पीजीपी का इंटरेस्ट है, यहां आ जाओ पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ, 60,000 मिले हैं प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट, जिसमें इंटरेस्ट किसना है पोस्ट ऑफिस का 5,000, पर जितना भी मिलेगा सारा कौन सी इनकम है, अदर सोर्सेस, डाल दो 60,000 उसके अंदर, ठीक है। गोल्ड बेचे बाद में आते हैं बुलियन, ओके गोल्ड कॉइन मिला है मैडम को 55,000 का, 50 से ऊपर हो गया, कजिन ने दिया, कजिन रिलेटिव भी नहीं होता, गिफ्ट की इनकम 55,000, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। और कोई इनकम है सोर्स की, नहीं ये दो इनकम है सोर्सेस बस, आओ देख लेते हैं एक बार, निशा का आंसर अदर सोर्सेज में ये आ रहा है 1,15,000 पक्का, ठीक है। अब चलते हैं आगे, निकालते हैं, चलो कैप गेन निकालते हैं, कैप गेन नाम से हो जाएगा। गोल्ड ब्रेसलेट ज्वेलरी कितने की बेची है मैडम ने, 5,00,000 की, 5-6 में लाई थी 40,000 की, उसमें इंप्रूवमेंट कराया 50,000 का, 8-9 में निकालो कैप गेन आराम से, कितना है कैप गेन 254,019, अच्छा ठीक है ठीक है आ जाओ 254,019 देख लेते हैं, ये कैप गेन आ गया इतना पक्का,
ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैडम को ना लॉन्ग टर्म में लॉस भी हुआ कितने का, 75,000 का। लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म थोड़ा सेटअप हो जाएगा, सेटअप कर दो कितना 75,000, सेटअप कर दिया, नेट आ गया 179,01। कोई दिक्कत नहीं यहां पे पूजा, मैं समझ आया पक्का, क्लियर एकता? ठीक है, ये भी हो गया, मुझे पता था बोलोगे आप लोग, ये 55F बोल रहे हो ना, 55F नहीं देंगे, बताता हूँ क्यों, बता रहा हूँ क्यों नहीं देंगे, बता रहा हूँ क्यों नहीं देंगे, चला के चलते हैं, आ जाओ आगे, अच्छा आ जाओ यार, चलो आ गया। और कोई इनकम है इसकी? आ गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं पीजीबी के ऊपर। पीजीबी ना पहले डेप निकाल लेते हैं, पहले डेप निकाल लेते हैं, उससे क्या होगा बाद में आंसर मैच हो जाएगा एक बार में हमारा। आ जाओ डेप की बात करते हैं, डेप डेबिट नहीं हुआ है, ओके हम कर देंगे। ब्लॉक याद है कैसे बनाते हैं? एक ही ब्लॉक बनेगा। आ जाओ, कितना ब्लॉक है ओपनिंग? 475। एक्वायर कितने का किया है इसने? 725 एक मिनट। इस पे कितनी सब्सिडी मिल गई है? 20%। 725 माइनस 20% 580, यानी एक्चुअल कॉस्ट 43.1 की बनेगी, 580 बना दी कॉस्ट। कुछ बेचा है? हाँ 70% बेचा है, माइनस कर दो, कितनी आ गई ब्लॉक की वैल्यू? 9,00,000 आ गई। इस पे निकाल दो पहले तो 15% है फुल ईयर का, वो कितना आएगा? 147। अच्छा एडिशन लिख लेगा सिर्फ और सिर्फ 580 पे, कितने परसेंट? 20% बताओ, 1,16,000 दोनों निकल गए। जब निकालेंगे पीजीपी दोनों का माइनस कर लेंगे हम लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं पीजीपी के साथ, आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ 561। पहले माइनस कर दो, डेप माइनस कर दो, दोनों डेप एक साथ 147 माइनस कर दो, 116 माइनस कर दो, कर दिया माइनस कुशाल, कर माइनस भाई, मैच मैच का मैच करेगा आंसर फिर तू, दोनों कर दिया माइनस, ठीक है आगे चलते। इसने जॉब चार्ज पे किया है वैल्यू एडिशन के लिए 90,000 का, पर टीडीएस नहीं काटा, यानी कि 90 का 30% 27,000 माइनस अलाउ नहीं होगा, कितना अलाउ होगा? 63,000 माइनस कर दो, कर दिया माइनस, ठीक है। कमीशन पे किया एक एजेंट को, अलाउड था, अब वापस आ गया है, अच्छा पैसा मिल गया है 50,000 ऐड कर दो, ठीक है। 25,000 क्रेडिटर को कैश में पे करे, माइनस होना ही नहीं चाहिए था, करा भी नहीं है तो छोड़ दो, इग्नोर, करा होता मैं ऐडबैक कर देते। लॉस 17,500 को है, बाद में आते हैं इसके ऊपर, आ जाओ इंटरेस्ट के ऊपर। अभी तक अगर हम मैच करना चाहें, एक बार आंसर उठाता हूं मैं, देखो अभी तक हम लोगों ने 50 इनकम दिखा दी, डेप दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, लॉस ये माइनस कर, लॉस ट्रेडिंग का हुआ है यानी स्पेकुलेशन का लॉस है, ये माइनस कर देते, चलो माइनस भी कर दिया लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ स्पेशल पॉइंट के ऊपर, याद करो 40 सबसेक्शन बी, पार्टनर्स को मिलने वाला इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन, वो कहता है फर्म दे सकती है मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% का और प्रॉफिट एज पर द बुक प्रॉफिट्स, सॉरी सैलरी एज पर द बुक प्रॉफिट्स। ये तो हो गया खर्चा बिजनेस का। सेक्शन 28 क्या बोलता है? 28 कहता है जिसको, जिस पार्टनर को फर्म से इंटरेस्ट और सैलरी मिल रही है, जितना फर्म खर्चा दिखा पाई उतने तुम इनकम दिखाओ ना अपनी, क्योंकि अगर फर्म ने आपको इंटरेस्ट पे किया 15% का, फर्म इंटरेस्ट का खर्चा कितना दिखा पाई होगी? 12, यानी एक्स्ट्रा 3 पे फर्म खर्चा नहीं दिखा पाई, तो अपनी इनकम भी कितनी मानो? 12, 15 नहीं, वरना पता क्या होगा, डबल टैक्स हो जाएगा तेरे से देखा जाए तो। गवर्नमेंट बोलती है जितना 40 में फर्म का खर्चा उतनी तुम्हारी इनकम। तो देखो 2,00,000 का इंटरेस्ट मिला भाई साहब को, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग? 15, पर फर्म खर्चा कितना दिखा पाई होगी?
12, जरा बताना 2 लाख डिवाइड बाय 15 इंटू 12 कितना होता? 2 लाख डिवाइड बाय 15 इंटू 12 160, फर्म कितना खर्चा दिखा पाई होगी? 160, ये कितनी इनकम दिखाएगा? 160, ये पॉइंट समझ आया? 40 भी कहता है जितना खर्चा फर्म दिखा सकती है उतना ही 28 में पार्टनर अपने हाथ में इनकम दिखाएगा, यानी 2 लाख डिवाइड बाय 15 इंटू 12 कितना आ गया? 1,60,000, जोड़ दो इनकम के अंदर, हो गया खत्म बीजेपी, 327,500 आ गया। ये पॉइंट किसको समझ नहीं आया? आ गया समझ? ठीक है, आ गया बीजेपी, ऊपर ले जाओ, कितना आ गया टोटल? 621,519 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, डिडक्शन निकाल चुके ऑलरेडी, यानी निकाली डिडक्शन, निकाली, निकाल लेते हैं, वो निकालते हैं डिडक्शन। चलो अभी तक तो कोई डिडक्शन दिखी नहीं मेरे को यहां पे, क्या क्या बोल रहे? ओके, डिपॉजिट इतना किया है 50,000 विद LIC, मदर डिसेबिलिटी, एक मिनट, सीरियस डिसेबिलिटी 80DD, डिसेबल डिपेंडेंट, 1 रुपए खर्चा भी करो फ्लैट मिलता है 75,000 या 1,25,000, क्योंकि ये सीरियस है पूरा 1,25,000, कितना हो गया डबल डी? 1,25,000, समझ आया इतना? रुक जाओ अभी, आ गया। अब सुनो बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसने नया घर खरीदा, ठीक है, नए घर के लिए क्या पे किया? स्टैंप ड्यूटी वगैरह 1,55,000 का। 80C कहता है ये खर्चे में अलाउ कर देंगे आपको। अब रुक जाओ, अब पूर्व ने कहा था सर गोल्ड बेचा घर खरीदा 54F क्यों नहीं दे दिया आपने? F मिलता प्रोपोर्शनल बेसिस पे, यानी 1,55,000 का कुछ परसेंटेज ही मिल पाता उसको, पर 80C में कितना मिल जाएगा? 1.5 लाख। तो हमने इसको बेटर ऑप्शन दिया, हमने इसे F नहीं दिया, हमने इसे 80C दे दिया। ये मैंने कहा था तभी छोड़ा है वहां पे F मैंने, वहां पे पॉइंट समझ आया? F अगर देता कम, F कैसे निकालते हम लोग? F 1,55,000 डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैप गेन्स कम हो जाता, पर 80 में कितना मिल गया? 1.5 लाख। यही अगर 80 से इसका यूज हो चुका होता तो हम F दे देते इसको, ये हमें देखना पड़ेगा क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पे। पॉइंट समझ आ गया? F क्यों नहीं दिया? तो कितना मिल जाएगा 80 से इसको? 1.5 लाख का, कितना हो गया टोटल? 2,75,000। यहां हमारा आंसर हिल जाएगा स्कैनर से, शायद यहां से मिसमैच कर जाएगा हमारा स्कैनर से। पॉइंट समझ आ गया? क्या हुआ? दोनों तक लेगा? साफ गलत है भाई, दोनों पॉसिबल ही नहीं है, एफ भी ले लो एसी भी ले लो, एक ही मिलेगा ना भाई। हाँ ठीक है, चलो कितना आगे टोटल इनकम? 3,4,5,2,0 राउंड अप कर, राउंड अप करनी पड़ेगी ना, 28 में राउंड अप हो गया 88 में। बेटा इस क्वेश्चन में ना टैक्स में आएगा स्पेशल एडजस्टमेंट, वो बोलता है अगर आपकी नॉर्मल इनकम से आपका 2.5 या 3 लाख का स्लैब पूरा नहीं हुआ तो वो बचा हुआ स्लैब आपकी स्पेशल इनकम को कम कर देता है कैजुअल इनकम के अलावा। खैर देखो मैं बताता हूं क्या करना है, समझो कितनी है टोटल इनकम आपकी? 3,4,6,5,2,0, इसमें से नॉर्मल इनकम निकालते चलो पहले, 327 1,15,000 और पता है 80 से 80 यू नॉर्मल इनकम से ही मिलता है, माइनस कर दिया, कितनी रहेगी नॉर्मल इनकम? 167,500। ये पॉइंट समझ आया? मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल इनकम छाट ली, उसमें से माइनस कर दी मैंने डिडक्शंस, स्पेशली कितनी है? 179,020 चुके राउंड अप करने के बाद। ये समझ आया क्या किया मैंने? अब नॉर्मल इनकम पे 2.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा मैडम को, कितना टैक्स हो गया? 0। एक मिनट, अब मैडम गवर्नमेंट से कह रही है 2.5 लाख का स्लैब था, 167,500 यूज हुआ है, कितना स्लैब बचा है मेरे पास? 82,500, उससे मेरी लॉन्ग टर्म इनकम कम करो, यानी इनकम इतनी थी माइनस कर दिया, कितनी बच गई? 96,520। ये पॉइंट समझ आया? अगर कैजुअल इनकम रही होती तो नहीं करते माइनस, 112A, 112, 111 कर सकते माइनस।
अब 96 5 टू 0 के निकालो, 20% कितना आता है निकालो, आ गया पक्का। इसकी टोटल इनकम कितनी है सब मिला के? 5 लाख से कम है ना, क्या मिलेगा? रिबेट 12,500 का, रिबेट माइनस करो 12,500 का, कितना आ गया टैक्स? इस पे लगाओ सेस, फिर जो आ जाए उसे राउंड अप कर देना। कौन सा बेटा, क्या कह रहे हो? ये कैसे की बाइफिकेट बता रहा हूं। देखो देखो, आपका टोटल इनकम कितना था? 346,520। अब इसमें से मैं छाट रहा हूं नॉर्मल इनकम कितनी है। नॉर्मल में से पीजीपी आएगा, अदर सोर्स आएगा, और डिडक्शन मिलती नॉर्मल से है, माइनस करके दिखा दी नॉर्मल इनकम इतनी आ रही है 167,500, 2.5 लाख से कम है, स्पेशल एडजस्टमेंट मिल जाएगा। टैक्स आ रहा है इसका 7080। पॉइंट समझ आ गया? हेलो, ये तो नॉर्मल टैक्स निकाला। अगर बीएससी में जाता, बीएससी में होता, ये नहीं मिलता, इनकम ऊपर ही रहती, एडजस्टमेंट नहीं होता, वो वाला रिबेट भी नहीं मिलती। पॉइंट समझ आ गया? मैं बार बार इसी क्यों बोल रहा हूं, आपके समय करने बीएससी से, आपको क्वेश्चन साल कौन सा लेके चलना है? बीएससी। पक्का क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों ना? इस क्वेश्चन का क्या हो गया? ये फाइल अपलोड कर दी मैंने भाई, ये फाइल अपलोड कर दिया मैंने, ये फाइल अपलोडेड है आपके लिंक के ऊपर, पर बस वो लास्ट क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा आपको, जो हमने किया सॉल्व वो ठीक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में शेयर एक्स कब आया था? ये दिसंबर 21। स्टार मार्क कर लो, इस बार मिल सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि ये आपको ले जाएगा एनपीएस के ऊपर, और एनपीएस याद है 80 CCD का 2 बीएससी के अंदर मिलता है, CCH का 2 मिलता है, CCD का 2 मिलता है, और डबल जे डबल ए मिलता है, तभी ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस बार आने के लिए, क्योंकि बीएससी में आ सकते हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय कौन सा है? ये कहां का एम्प्लॉय है? सीजी का, याद है एम्प्लॉयर 14%, और अब तो अमेंडमेंट क्या बोलती है, एसजी का हो तो भी 14, ये पक्का एसजी बना के दे देंगे इसको, बच्चा एसजी को 10 मान के करके आ जाएगा, उसे कितना करना है 14, और बीएससी में मिल जाएगा 2 एम्प्लॉयर वाले का, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ गए इस बार। वैसे मुझे लगा डबल जे डबल ए पूछेंगे पक्का, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं, पहले तो भाई 5 हेड्स वो तो बनाने बनाने 5 हेड्स और सैलरी निकालते हैं इसकी। देखो मैंने क्या किया, लिख दिए 5 हेड्स, पहले क्या चल रहा हूं सीधा मैं सैलरी, आ जाओ सैलरी देखते हैं। चलो जोड़ते रहना सैलरियां, बताना मुझे क्या। हाँ सैलरी कर रहे हैं, पहले बेसिक कितना है 380, डीए कितना है? अब देखो कैंडरी गलती, सैलरी निकालते हुए क्या करी, फॉर्मिंग ऐड करते, पूरा ऐड करते हैं, पूरा ऐड करते हैं भाई साहब ने फॉर्मिंग ऐड कर रखा है, पहली गलती होगी अंदर की, क्या हम क्यों ऐड करेंगे पूरा भाई, ऐसी गलती आईसीए नहीं कर सकता, वाईसीए ये भाई, कोई और इंस्टीट्यूट होता मैं नहीं बोलता, पर सीए नहीं कर सकता। चलो कितना आ गया 120। जूता फेंक के मारू ना हितेश, बहुत दूर खड़ा हूं, तुम्हारे पास खड़ा है, मार दे यार। अरे हितेश तेरे पापा गाली दे रहा है, तेरे पापा गाली दे रहा है, इंस्टीट्यूट तेरा फादर ही तो है। चलो अच्छा, बोथ मिस्टर एक्स एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ क्या बेसिक टू द पेंशन स्कीम ऑफ 80 CCD। इंप्लॉय डाला भूल जाओ, जो बॉस डालता है फुली टैक्सेबल, 3,80,000 का कितना परसेंट, कितना आया आ गया 76। बात बताओ अगर ये 70,000 इतना होता तो क्या करते, पहले पूरा ऐड होता, 10,000 और ऐड होता, क्योंकि 7.5 लाख के ऊपर पहुंच चुका होता है, ये याद रखना पॉइंट, परक्विजिट सेक्शन 17। हाँ बोलो, अरे रुकना बेटा रुक जा, ये मतलब हाँ नीचे अलग चढ़ रखा ना अलग से, हाँ पता है वो निरोध नहीं करने की वजह से वो, हाँ ठीक है ये पॉइंट समझ आया। अगर एक जमा करता है एनपीएस में 760, पहले 7.5 लेते फिर 10 और ऐड करते, पॉकेट बन जाता सेक्शन 17 वाला पर्क। खैर
अभी कितना ऐड किया 76,000 आ गया। ग्रॉस सैलरी क्या बन गई, माइनस करो स्टैंडर्ड, 526 आ गया। अच्छा 115 बीएसए में मिलता स्टैंडर्ड, हाँ अब मिलता है, बाकी दोनों नहीं मिलते। ओके चलो सैलरी निकल गई। अब चलते हैं अदर सोर्सेस के ऊपर। गिफ्ट मिला है माइनर बेटे को बर्थडे पे 70,000 रुपए का, इसकी इनकम मान ली जाएगी, पर 10(32) का मिलेगा 1500 का एग्जेम्पशन। भाई साहब की क्लबिंग इनकम बनेगी 68,500, पक्का क्लियर? ओके अभी ये पॉइंट छोड़ दो, एफ पे चलते हैं, निकालते हैं डिडक्शन। भाई साहब डिडक्शन 70 डाले सुकन्या समृद्धि स्कीम 80 सी, एनुटी प्लान एलआईसी याद है, सीसीसी एलआईसी 40,000 वहां गया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन लोन बेटे का 15 का इंटरेस्ट पे किया है जिसमें 5 पिछले साल का है, क्या फर्क पड़ता है, कितना मिल जाएगा पूरा 15। देखो यहां से पता लग गया 80 सी हो चुका है 70, ट्रिपल सी 40, सीसी सॉरी हाँ और 80 ई 15। अब इस पे आओ, वो याद रखना जो बताया मैं आपको, आ जाओ। आपने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने उसको कैपिटल मान के बिजनेस में लगा दिया, तो हम क्या करते हैं, जितना ओपनिंग कैपिटल होता है उसके प्रपोर्शन पे बांटते हैं प्रॉफिट को। इसने प्रॉफिट कब से गिफ्ट कब दिया था, 15-16 में 6 लाख का, हमारा ईयर कौन सा है 23-24, यानी 1/4/23 को जब ईयर शुरू हुआ ये 6 लाख बिजनेस में लगे होंगे, एक्स का शेयर हो गया 6 लाख, वाइफ का कितना शेयर है 10 लाख, टोटल हो गया 16 लाख, लॉस हुआ है बिजनेस का। अगर प्रॉफिट क्लब होता है तो लॉस भी क्लब होगा, 1,30,000 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 6 लाख कितना हुआ 48। ये आ रहा है कहाँ है, ये रहा, तुमने क्या किया बे, एक मिनट को, अरे सॉरी टोटल है 10 लाख, सॉरी टोटल 10 लाख है, तो 31 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, सॉरी मैंने उसका देख लिया था गलती से, टोटल हमने 6 दिया उसके पास 4 था, टोटल कितना हो गया 10। हाँ आगे समझ जाओ, ये लॉस एक्स वाई साहब के कौन से हेड का लॉस है, पीजीबी का लॉस, लिख दिया लॉस भी, लिख दिया लॉस, एक मिनट यहां तक डन है। अब मुझे बात बताओ, जीटीआई पे जाने से पहले पीजीबीपी का लॉस सैलरी से सेटअप हो सकता है, नहीं, अदर सोर्सेस से हाँ, इसकी और कोई इनकम ही नहीं है, इसका लॉस हुआ है 78,000 का, अदर सोर्स की इनकम कितनी है इसकी 68,500, तो कितना सेटअप हो जाएगा 68,500, बाकी कहां जाएगा कैरी फॉरवर्ड। पॉइंट समझ आया, तो जीटीआई रहेगी भाई की सिर्फ सैलरी वाली, कितनी 5,26, क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर जहां पूरी गेम स्टार्ट हो जाएगी हमारी, आ जाओ भाई। ओके क्वेश्चन कहां पर था, ये December 21 ना, आ जाओ चलो ठीक है चलो। एटीसी कितना हो चुका है 70, ट्रिपल सी 40 और ई आपने बताई दिया मुझे कितना है 15। आ जाओ सीसीडी 1 याद कर, सीडी 1 क्या बोलता है, एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग, क्या यहां कमीशन आता है, नहीं, स्कैनर ने कमीशन ले रखा है छोड़ देना उसको, ठीक है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग का 10% एम्प्लॉय डाल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो ना तब भी 14 एम्प्लॉयर की लिमिट है, आपकी नहीं है, सीसीडी का 1 बोलता है 10% पर इट कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या सीएटीसी ट्रिपल सी सीसीडी का 1, क्या ये 1.10 पे ऑलरेडी आ चुका है। अब देखते भाई ने डाला कितना पैसा, देखो डाला कितना था इसने, एक मिनट ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये काम का नहीं है। हाँ हम दे सकते हैं डिडक्शन, दे सकते हैं इसको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग, बेसिक कितना है 380, डीए फॉर्मिंग कितना है 48,000, कितना हो गया टोटल 4,28,000, उसका 10% 42,800 पर क्या पूरा जोड़ पाओगे, नहीं, कितनी लिमिट है 40, यहां आ गया 40,
समझ आया? अब इस लाइन को देखो, अब देखो इस लाइन को जो मैंने काटी थी, अब देखो भाई ने डाला कितना था, अमाउंट अमाउंट डाला कितना था एनपीएस में, 36 डाला कितना था फंड में, बॉस एम्प्लॉय ने कितना जमा किया था फंड में, कंट्री तो कंट्रीब्यूट कर रखा है, क्वेश्चन देखो ना 20%। सुनो एम्प्लॉय ने डाला है 76,000, एक मिनट कितना बन मिल चुका है उसको 40, कितना बच गया वो का मिल जाएगा या वन बी के अंदर, वन बी लिमिट होती है 50,000। अब देखो सुनो यहाँ पे पॉइंट क्या, एग्जाम कैसे घूमेगा एग्जाम आपका, आप सोचोगे यार कंट्रीब्यूट तो किया है बेसिक का, डिडक्शन में बेसिक डी है दोनों का मिल जाएगा, हाँ डिडक्शन अलग चीज है वो अलग चीज है, पैसे डाले सिर्फ बेसिक के पर डिडक्शन मिलेगा दोनों का, वन बी निकल गया 37,000, ये क्लियर हुआ। एम्प्लॉयर भाई साहब ने बेसिक का 76,000 डाला था, डिडक्शन मिल सकता है उसको बेसिक प्लस डी फॉर्मिंग का 14%, 4,28,000 का 14% कितना होता है 59,920 आ गया, समझ आया कितना हो गया टोटल डिडक्शन, यही आ रहा है 26,920 आ रहा है, पॉइंट समझ आया कैसे हुआ ये, ऊपर ले जाओ 260920 माइनस कर दिया टोटल इनकम 265080, पक्का क्लियर हो गया क्वेश्चन ये पक्का, अगर ये निकालना होता बीएससी के अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक मिलती डिडक्शन, कौन सी 59920, बाकी सारी नहीं मिलती आपको, यानी कि ये नहीं मिलता ये नहीं मिलता ये नहीं मिलता ये नहीं मिलता ये नहीं मिलता, सिर्फ कितना मिलता 59920, बाकी सब सेम रहता पूरा क्वेश्चन सेम रहता, क्लियर पॉइंट, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने जस्ट पहले वाला उसमें याद करो, अगर 115 बीएससी मिलता आपने बोला डिडक्शन तो नहीं मिलेगी, एडिशनल लेब भी नहीं मिलता, याद रखना पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन में वो भी नहीं मिलता, मुझे याद आया अभी आपको बीएससी के अंदर, समझ आ गया पॉइंट ये भी हो गया, ठीक है ऑलमोस्ट सारे कर लिए हमने, ये जो छोड़ा ना मैंने निशा वाला, नहीं निशा नहीं कौन सा छोड़ा मैंने, एक निशा करा दी, कौन सा छोड़ा था मैंने एक ये वाला, हाँ ये बेसिकली छोड़ा नहीं है, देखो ये क्वेश्चन वो है जो मैं आपको ऑलरेडी पार्ट्स में करा चुका हूँ उसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर ही, याद करो वेकेंट लैंड बेचा था, एफएम भी दे रखा था, एसडी भी दे रखा था, हमने लोड उठाया था पॉइंट, ये कवर हो गया यहाँ से, एक काम की जल्दी रख में निकाल लेते हैं, छोड़ो छोड़ना क्यों, कब आए क्वेश्चन ये कब आए सुरेश वाला, सुरेश 22 में होगा शायद, 22 में होगा शायद, पीछे नहीं होगा ज्यादा, 22 में होगा शायद, मई 22 है शायद, मई 22 है ना, मई 22 आ जाओ, चलो जल्दी निकाल लेते हैं आ जाओ, इसने लैंड कितने का बेचा है 15,00,000 का, एसडीबी है 19, क्या पकड़ेंगे हम लोग 19, सेक्शन 50C, एफबीओसी हो गया 19,00,000, लिया कितने का था 3,40,000 का, पर 1,4,2,1 की वैल्यू दे रखी है, 5 और 6 कौन सी लेंगे लोअर, 5 कॉस्ट हो गया 5, करना डिसीजन 5,00,000 × 348/100 कितना के बेचा है 19,00,000, कितना आगे लॉन्ग टर्म गेन 1,60,000, कोई दिक्कत यहां पे गेन के अंदर नहीं, आगे चलते हैं, अंडरटेकिंग है इसका एसईजी, ओके लास्ट क्लास में आया था 19-20 यानी 19-20 यानी कि पहले 5 साल चल रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ संस्कृति बताएगी और कोई नहीं बताएगा, हाँ टर्नओवर कितना है टोटल 300, 120 है आपका एक्सपोर्ट्स का और टोटल प्रॉफिट है आपका 30,00,000, बताओ कितना ट्रेंड वाले मिलेगा 30,00,000 डिवाइड कितने से होगा, डिवाइड कितने से होगा 300 से, मल्टीप्लाई होगा 120 से, कितना आएगा एग्जम्पशन 12,00,000, प्रॉफिट हुआ था 30,00,000, एग्जम्प्ट हो गया 12, कितना रह गया 18, ये भी आ गया, क्रॉसवर्ड पजल से इनकम कमाई कैजुअल इनकम 10,000,
ग्रॉस इंटरेस्ट डिपॉजिट से 15,000, अदर सोर्स की नॉर्मल इनकम कितना हो गया टोटल इनकम अदर सोर्स की 25,000, अदर सोर्स आ गया 25। ट्यूशन फीस पे करी है 3 बच्चों की, 2 की मिलेगी 24,000, 2 की 24 मिलेगी, 80C हो गया आपका 24, ये भी तो आएगा 80C में, पर कितना 10,000, 80C माइनस हो गया 10, माइनस नहीं किया इसने, अच्छा सॉरी FDA नहीं माइनस होगा, FDA नहीं होगा, ये आगे इसकी टोटल इनकम। टैक्स निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ना, 1961, ये मेरा फॉर्मेट नहीं है एक्चुअली, 1961 के अंदर आओ देखते हैं, 10,000 तो कैजुअल इनकम है, 1 से 15 डबल भी, 10,000 रुपए 3 निकल गया, लॉन्ग टर्म गेन घर बेच के आया था 160, उसका 20% कितना हो गया 32,000, बाकी इनकम रह गई आपकी कितनी 1791000 लगाओ स्लैब, कितना आया 349,800, बाकी दोनों टैक्स जोड़ दिए टोटल हो गया 384,800, उसे लगा दो सेस 400190, क्लियर। अगर 115 बीएससी में जाता तो 80C नहीं मिलता है इसको। चलो देखो हमने बेसिकली क्या किया इस पूरी प्रैक्टिस में, लंबी क्लास थी, ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट की क्लास है, लंबी क्लास, हमने 2023, 22, 21 क्वेश्चन हमने कर ली। देखो सारे करने का पॉइंट नहीं है, मैंने बता दिया वे कैसे करने का, सिंपल वे है, पांचों आपको लिखने हैं नाम लाइन से, अदर सोर्स ढूंढ के कर दो, सैलरी ढूंढ लो, HP ढूंढ लो, कैपवेंस ढूंढ लो और डिडक्शन ढूंढ लो, इससे गलती नहीं होगी आपकी, गलती सारी कहां होती है PGP के अंदर। ये सारे जब कर लोगे ना, और अगर 115 BSE मांगा तो बनाना ऐसे कॉलम नेट के, पर्टिकुलर्स नॉर्मल 115 BSE ऐसे बना देना स्लैब्स, सारी इनकम लिख दी आपने जो जो आ रही है यहां पे, डिडक्शंस यहां पे आएंगे नहीं, अगले 3 आते हैं ऐसे, CCD2 TCH2 और SOP का ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है यहां नहीं आएगा यहां आएगा, ये बात ध्यान रखना, ऐसे करोगे आपका आंसर हो जाएगा, PGP एंड में उठाना बेटा वरना गलती करके आओगे। ये टॉपिक डिफिकल्ट है नहीं अगर सही अप्रोच से करोगे तो, हम उठाते ही सीधा कहां से है नेट प्रॉफिट ऐसा P&L अकाउंट, गलती होंगी होंगी, पॉइंट समझ आ गया कैसे करना है। देखो आज है फ्राइडे, GST स्टार्ट है हमारा मंडे से, 2 दिन है, जितने क्वेश्चन हो सके टोटल इनकम की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पहला कंपलसरी क्वेश्चन 12 नंबर का है, और पता है देखो इसके पहले आपने MCQ करोगे, MCQ मैं तो देखो ये मान के चलता हूं, MCQ कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितने भी डिफिकल्ट यार आप कम से कम 12 तो ला सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये 12 नहीं आ सकते आप लोग MCQ में, 12 बहुत मिनिमम बोल रहा हूं यार मैं, देखो 30 में से कुछ तो आते होंगे, कुछ 2 नंबर के भी होते हैं, 1 के भी होते हैं, अगर आप 12 भी वहां ले आए और इस क्वेश्चन में आप 6 भी ले आए जो आराम से ला सकते हो, कितने हो गए आपके 18, 50 में से 18 ला चुके हो बेटा, बिना दिमाग लगाए बोल रहा हूं मैं अभी आपको, 18 यहां पे आ गए, अब बाकी चैप्टर के पूरे स्कैनर करवाया है, अटेम्प्ट करके कुछ तो करोगे, बाकी बचे पेपर में से अगर आपने 5-6 नंबर भी खींच दिए 25 आपके बन गए इनकम टैक्स में, और GST 25 जाना मुश्किल नहीं है, जैसे आपने स्कैनर देखा होगा इजी है, मैं कराऊंगा पता लग जाएगा आपको, इनकम टैक्स वाले पेपर में अगर आपने यहां टोटल इनकम नंबर खींच दिए आपके मार्क्स 40 से कम नहीं रह सकते बेटा, किसी हालत में 40 से कम मार्क्स तभी रहते हैं अगर अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं हम लोग, यार बहुत डिफिकल्ट पेपर है नहीं आता, भाई 40 का ट्राई करो ना, पेपर देखते ही पहला थॉट माइंड में डालो मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे अटेम्प्ट ही पेपर जो 70 का सब्जेक्टिव होता है मुझे 50 का अटेम्प्ट करना है, पहला माइंड को थॉट ये दो, उससे क्या होगा जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए ना 20 नंबर के उसमें ध्यान जाएगा नहीं तुम्हारा, जो इजी होगा वो स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे, अगर माइंड में डाल दोगे ना अरे 20 नंबर का नहीं आता, नहीं आता यार छोड़ दो बाकी 50 का ट्राई करो ना, वहां नंबर खींचो उस 20 चक्कर में, बाकी खराब करोगे खराब कर लोगे, ट्राई करो जैसे बोल रहा हूं, बाकी ये जैसे बता रहा हूं स्ट्रेटेजी दोबारा बताऊंगा आराम से, पर वो GST की बताऊंगा एंड पे आपको, अभी आपका काम क्या है 2 दिन आपको टोटल इनकम के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ज्यादा पीछे मत जाना 19 तक रहना बस, उसे जरूरत नहीं जाने की, प्रैक्टिस 2 मिनट तो 19 तक ये कर लो, उसके बाद RTP को उठा लो और मॉक को उठा लो, खत्म ये कर लो, क्लियर है इतना।
ठीक है, डाउट्स में बता दूंगा, फॉर्मेट ये फॉलो करना। चलो मिलते हैं अब जीएसटी प्रैक्टिस में, बाय बाय।